छानबीन की। उसका नाम रोशन उर्फ चेतन उर्फ केला मुन्नालाल गुप्ता, उम्र 23 साल, रहना मराई माता मंदिर के पास नाइक तालाब। इसे पुलिस स्टेशन में लाकर उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की। इस पर एक इसके पहले 425 का ही गुन्ना दाखिल है और ये कार्रवाई जो है ये डीबी पथक के हेड कांस्टेबल नाना भोगे, नाइक पुलिस कांस्टेबल इमरान, एनपीसी रोमेश और पुलिस कांस्टेबल गगन और राहुल, इनके टीम ने ये कार्रवाई की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े नागपुर। संपत्ति कर की बकाया राशि वसूली हेतु जोन क्रमांक 1 लक्ष्मीनगर की वसूली टीम द्वारा वारंट कार्रवाई के तहत 5 बकायेदारों की अचल संपत्तियों को जब्त कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तथा 3 लाख रुपए की वसूली की गई। 3 अचल संपत्तियों को जब्त कर गिरफ्तार किया गया। नागपुर नगर निगम की ओर से हम संपत्ति कर राशि जमा करने वाले संपत्ति मालिक कब्जाधारी को संपत्ति कर राशि में 10-5% की छूट देने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक अधिभोगी और कब्जाधारी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। किनखेड़े लेआउट परिसर में डकैती की तैयारी में बैठे 5 आरोपियों को यशोधरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम सचिन उर्फ अजगर, अशोक कुमार शाहू, शेख सलमान शेख नवाब, साहिल उमेश शेंडे, अर्जुन संजय मिश्रा, अहफाज खान बताया गया, जिनके पास से चोरी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले माल समेत 51,000 का माल जब्त किया गया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। तारीख 25 नवम्बर के रात को हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू थी पुलिस स्टेशन यशोधरा के अंदर। उस समय हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ आरोपी जो इसमें से कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर भी है, सीरियस ऑफेंडर है, ये लोग किनखेड़े लेआउट के पास में एक रेल की दीवार है उसके पास में बैठ के ये दरोड़ा डालने की एक प्रयास कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। तो उनके पास में प्राणघातक शस्त्र भी थे। तो ऐसे इंफॉर्मेशन मिली तो विद द हेल्प ऑफ स्टाफ हम वहाँ पे गए, प्रॉपरली हमने उसको एग्जीक्यूट किया और टोटल वहाँ पे 5 लोग थे लेकिन एक एब्सकॉन्डेड है, फरार है। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें हमने ऑफेंस भी रजिस्टर किया है जिसमें क्राइम नंबर 850/23 सेक्शन 399-402 IPC रेड विथ है आर्म एक्ट का 425 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत हमने क्राइम रजिस्टर करके आरोपी को अरेस्ट किया। अभी PCR में है, PCR से भी हम पूछताछ करना जा रही है हमारी। हाँ, उसमें हमने 4 लोगों को डिटेन किया है, अरेस्ट किया है। उसमें से सचिन अजगर, अशोक कुमार शाहू जो कोलावसामी नगर चंद्रशेखर प्रजापति इनके घर पे रहते हैं, दूसरा आरोपी शेख सलमान वल शेख नवाब, तीसरा आरोपी है साहिल उमेश शिंदे, चौथा आरोपी है अर्जुन संजय मेश्राम और पांचवा जो आरोपी है अहफाज खान, ये एब्सकॉन्डेड है, ये फरार है, अभी तक हम उसका सर्च कर रहे हैं उसको। इनके पास से हमने लोहे की तलवार, एक चाइनीज चाकू, डंडा, छुरी, पाउडर, दूरी, मोबाइल है 4, ऐसा हमने मुद्देमाल जब्त किया है। देखो ये प्लानिंग कर रहे थे कि पुलिस स्टेशन के एरिया में कहीं इनको दरोड़ा डालकर कुछ बड़ा एक ऑफेंस करने वाले थे वो। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय भेदोड़कर साहब इनको इनके मार्गदर्शन के आधार पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करके उनको एट 11 और हमने नैप किया और आगे की कार्रवाई की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े नागपुर। और इसी के साथ खबर संध्या बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। कहते हैं हाथ की बुनाई हुए वस्तुओं का कोई तोड़ नहीं होता। जी हाँ, चाहे फिर घर की सजावट की वस्तुएं हो या फिर कोई पहनावा, यदि आपको देश के हर कोने की वस्तुएं या कपड़े खरीदने की चाह रखते हैं, तो नागपुर में आया है हैंडलूम एक्सपो। कम दाम में बेहतर क्वालिटी, जहाँ आपको मिलेगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं, साथ ही कुर्ता, दुपट्टे, सूट, फैशन ज्वेलरी, घर सजावट की वस्तुएं या बिहार का सिल्क कोसा, खादी लखनऊ का चिकन वर्क, गुजरात की बांधनी, मध्य प्रदेश की माहेश्वरी सिल्क, राजस्थान और कर्नाटक की सिल्क साड़ी, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध साड़ियां समेत सभी राज्यों की
प्रसिद्ध साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान अब नागपुर में आया है। जी हाँ, हमारा पता बिशप कॉटन मैदान VCS स्टेडियम के पास सदर नागपुर। 15 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक ले सकते हैं इस एग्जीबिशन का लाभ, तो जल्दी कीजिए और पहुंच जाइए इस एग्जीबिशन में। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मी अश्विनी, महाराष्ट्र TV24 मध्ये आपले स्वागत। नजर टाकूया महाराष्ट्रातील प्रमुख घडामोडींवर। आज सकाळपासूनच राज्यभरात पावसाला सुरुवात झाली असून छत्रपती संभाजीनगर शहरात विजेच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे। बीडच्या कपिलधारा येथील मन्मथ स्वामी समाधीची शासकीय महापूजा शालेय मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते संपन्न झाली। यावेळी आयोजित जाहीर कार्यक्रमात 5-10 हजार राखीव जागांसाठी महाराष्ट्र पेटवायचा का असा सवाल मंत्री केसरकर यांनी उपस्थित केलाय। या निमित्ताने एकच गोष्ट सांगतो की धनुभाऊ, तुम्ही सांगितलं की तुम्ही शंकराचे भक्त आहे, खरंच आज कार्तिकी पौर्णिमा सुद्धा आहे आणि आमचं जे कुलदैवत आहे ते सुद्धा शंकरच आहे, त्याच्यामुळे मला इथून माझ्या जिल्ह्यात गेलं पाहिजे। तिथं आमच्याकडे जत्रा सुरू होतात आजच्या दिवसापासून आणि पहिली जत्रा ही आमच्या कुलदैवताची असते, परंतु दैवताचं पूजन करत असताना आपलं कर्तव्यसुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं असतं आणि म्हणून माझं कर्तव्य आहे की मुख्यमंत्री महोदयांनी असं सांगितलं की आमचे असंख्य वीरशैव लिंगायत समाजाची लोकं तिथं येणार, त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये वाईट वाटता का म्हणे, मी जरी आलेलो नसलो तरी माझ्या वतीने तुम्ही तिथं चला, माझ्या सर्व शुभेच्छा त्यांना द्या आणि त्यांना खात्री द्या। केवळ मी मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून येतोय असं नाही, आज सकाळी उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहेब, आम्ही सगळे एकत्र होतो। सगळ्यांच्याच भावना या आपल्या समाजाबरोबर आहे, सर्व समाजाचं ऐक्य राहिलं पाहिजे आणि महाराष्ट्र अधिक उंचीवर गेला पाहिजे ही मी या ठिकाणी मनापासून या ठिकाणी प्रार्थना करतो। कारण आज महाराष्ट्रामध्ये समाजामध्ये विद्वेष भडकवण्याचं काम चालू आहे आणि हे महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही। नोकऱ्या किती असतात, 7-8-10 वर्षानंतर आम्ही 1 लाख लोकांची भरती सुरू केली आमचं सरकार आलं म्हणून। लग्न कार्य व शुभ विवाह करण्यासाठी तुलसी विवाह होण्याची वाट सर्वच नागरिक बघत असतात आणि दिवाळीनंतर तुलसी विवाह लागल्यानंतर शुभ कार्याला सुरुवात होते। आजच्या तरुण पिढीला याविषयी माहिती होण्यासाठी दामोदर आणि तुलसी यांचा विवाह लावला जातो, ही एक जुनी परंपरा आहे। या परंपरेनंतर शुभ कार्य व विवाहाला सुरुवात होते। आजच्या तरुण पिढीजवळ मोबाईल असल्यामुळे इतरांशी संवाद साधायला व भेटीगाठी देण्यासाठी वेळ नाही, त्यामुळे विवाह निमित्ताने सर्व घरातील ज्येष्ठ तरुण व शेजारी एकत्र येऊन हा आनंद विवाह सोहळा पार पडतात। यावेळी हिंदू संस्कृती जोपासली जाते, मंगलाष्टक व नैवेद्य दाखविला जातो, आरतीही केल्या जाते। ही माहिती आजच्या तरुण पिढीला भावी यासाठी हिंदू सणांचे आयोजन आम्ही परिसरात करतो अशी माहिती उपस्थित नागरिकांनी दिली। आजची जी पूजा झालेली आहे त्याच्यामध्ये दामोदर आणि तुळशी ह्या दोघांचा विवाह असतो, याच्यामध्ये 5 मंगलाष्टक जसे आपण रिअलमध्ये लग्न लावतो त्याच पद्धतीचं असतं। 5 मंगलाष्टकं म्हणतात ब्राह्मण लोक आणि त्याच्यानंतर याची बाळकृष्णाची म्हणजे दामोदराची याची पूजा केली जाते आणि मग नंतर विवाह लावला जातो आणि मग नंतर त्याच्यानंतर नैवेद्य वगैरे सगळं दाखवलं जातं। याचं मूळ कारण म्हणजे जसं तुळशीचा विवाह झाला तर मग त्याच्यानंतर आपल्या घरात कोणाचं लग्न असेल किंवा इतर कोणाचं काही असेल तर ते कार्य सुरू करू शकतो आपण। श्रीकृष्णनगर हडको, आज या इथे आम्ही सगळे गल्लीतले मंडळी फक्त तुलसी विवाह लावण्यासाठी जमलेले आहे। काय होतं, हळू काळानुरूप आपल्या जुन्या पद्धती खूप मागे पडत चालल्या, शॉर्टकटचा जमाना आल्यामुळे सगळं थोडक्यात थोडकं, त्यामुळे कोणाला पूर्वीच्या रीतींचं काहीच महत्व उरलेलं नाही। त्यानिमित्ताने आम्ही हे दर कमीत कमी 15-20 वर्ष झाली आमची पूर्ण गल्लीतली मंडळी कधी कधी सामूहिक किंवा कधी कधी वैयक्तिक स्वरूपात आम्ही तुळशीचं लग्न लावत असतो। तुळशीचं लग्न म्हणजे काय की राधा आणि दामोदर यांचं शुभ विवाह,
त्या काळाने त्यानिमित्ताने आपल्या पूर्वीच्या पद्धती जपल्या जातात. सगळे लोक एकत्र येतात. दुसरा त्याच्या मागचा उद्देश काय नाही, कारण आपण जर आपल्या घरात राहायला आवडते, प्रत्येक घरात चार डोके, पण ह्या निमित्ताने का होणे. आणि आमच्या खास करून मला बाकीच्या भागात माहित नाही, पण आमच्या गल्लीत ह्या गोष्टींसाठी खूप उत्साह आहे. कुठली सार्वजनिक गोष्ट करायची म्हटली की सगळे उत्साहाने एकत्र येतात आणि एकदम छान मिळून मिसळून तो उत्साह किंवा तो सण पार पाडतात. आणि आजही तुम्ही बघाल ह्या उत्सवासाठी खूप इथे गर्दी जमली. सगळे अगदी मनापासून एकमेकांना तयारी करू लागतात आणि सहभागी पण होतात. विवाह आम्ही पारंपरिक पद्धतीने, म्हणजे आपण ब्राह्मणाला बोलवून जसं लावतो वैदिक पद्धतीने, त्यानुसार जसं खरोखरच्या नवरा नवरींना आपण बोलवतो त्याचप्रमाणे कृष्णाचा आणि तुळशीचा हा विवाह आम्ही इथे लावलाय वैदिक पद्धतीने. या मागचं की खरं तर आता तुळशीला आपण कोरोना काळाच्या बघितलं किंवा आजकाल जे आजार बघतोय आपण, त्या काळात आता आपलं आयुर्वेदाचं महत्व किंवा वनस्पतींचं महत्व आता आपलं पटायला लागलंय. आणि आता हळूहळू आपण फेसबुक किंवा हे बघून आपल्या कळतं की दारासमोर तुळशी ठेवायला हवी किंवा काहीतरी विविध वनस्पती ठेवायला हव्या की ज्याच्यामुळे आपल्याला शुद्ध हवा किंवा वेगवेगळे फायदे होतील. त्यासाठीच आम्ही हा तुळशी विवाहाचा कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित करत असतो. की काय लहान मुलांना, की ज्यांना आतापर्यंत हे माहिती नव्हतं, त्यांना याचं महत्व पुढे आणि पुढच्या पिढीला आपण हा वारसा आपल्याकडून देऊ शकू. खूप छान वाटतं. आज आमच्या गल्लीत तुळशी विवाह संपन्न झाला आहे. ह्या निमित्ताने का होईना आम्हाला वेगवेगळ्या सणांबद्दल माहिती भेटते. तुळशी विवाह का लावला जातो, कशासाठी लावला जातो व त्याच्यात काय विविधता असते, त्याच्यात आपण कोणते कोणते देव आरत्या म्हणतो किंवा कशी पूजा केली जाते ह्या निमित्ताने आम्हाला कळतं. किंवा काय काय गोष्टी आपल्या समाजात असतात, आपल्या धार्मिक याच्यात असतात, ह्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला कळल्या जातात. त्यानिमित्ताने का होईना आपल्या घरातले सर्व मंडळी एकत्र येतात, एकमेकांशी बोलतात, संवाद साधतात, ह्या गोष्टीची चर्चा करतात, ती पूजा करतात, आरत्या म्हणतात आणि हे सगळं बघून खूप आनंद वाटतो. एवढंच म्हणजे हो, आज मोबाईल, आम्ही आता ही सगळी पिढी आमची मोबाईलच्या जनरेशनची आहे. फेसबुक म्हणा, ट्विटर म्हणा, ह्या सर्व ठिकाणी तर आम्ही बघतोच हे सगळं घडताना. पण वास्तवात बघण्याचा जे काही आनंद असतो किंवा जी काही उत्सुकता असते ती खूप असते आणि वेगवेगळ्या गोष्टी बघायला भेटतात, करायला भेटतात, त्याच्यात सहभाग घ्यायला भेटतो, याचा आम्हाला खूप आनंद वाटतो. लोकसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना आता मुंबई उपनगरात शिवसेना ठाकरे गटाने प्रचाराचे बिगुल फुकले आहे. आज भांडुपमध्ये ईशान्य मुंबईतील कोकणवासियांचा जाहीर मेळावा पार पडला. या मेळाव्याला शिवसेना नेते खासदार विनायक राऊत हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. तर शिवसेना नेते आदेश बांदेकर, आमदार रमेश कारगावकर आणि अन्य नेते उपस्थित होते. यावेळी ईशान्य मुंबईची जागा ही शिवसेना ठाकरे गट लढेल आणि माजी खासदार संजय पाटील हे उमेदवार असतील अशी घोषणा यावेळी खासदार विनायक राऊत यांनी यावेळी केली. तर शिंदे गटात गेलेले कोकणातील नेते आणि राणे पिता पुत्रांवरही त्यांनी जोरदार टीका केली. तर शिवसेना ठाकरे गट लोकसभेत, कोकणात आणि मुंबईत यश मिळवेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ईशान्य मुंबईतील कोकणवासियांचा मेळाव्याचं आयोजन आमचे माजे खासदार आणि भावी खासदार संजय दिनाबा पाटील आणि आमचे आमदार विभाग प्रमुख रमेश कोरगावकर, दुसरे आमचे विभाग प्रमुख सुरेश पाटील, माननीय दत्ता दळवी, माननीय सुनील राऊत आमदार, ह्या सर्वांच्या प्रयत्नातून आज एवढा भव्य दिव्य असा कोकणवासियांचा मेळावा आयोजित केला आहे. पाऊस होता तरीसुद्धा एकही कोकणवासी इथून हटलेला नाही आणि सुरुवातीपासूनच संपूर्ण कोकण आणि बाळासाहेब, कोकण आणि मातोश्री, कोकण आणि उद्धवजी ठाकरे आणि कोकण आणि आदित्यजी ठाकरे यांचं एक जे नातं आहे, पारिवारिक नातं, ह्याच्यामध्ये कुठेही खंड पडलेला नाही, कुठेही कमी झालेलं नाही, हे आजच्या मुंबई ईशान्य मुंबईतील कोकणवासियांच्या मेळाव्याने उपस्थितीने दाखवून दिलेलं आहे. संविधान दिनानिमित्त कल्याणपूर्व संविधान सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी प्रभाग कार्यालय लगेच उभारण्यात येणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकावरून अप्रत्यक्षरित्या शिवसेनेला लक्ष्य केलं. प्रमुख बातम्यांमध्ये वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. बघत रहा महाराष्ट्र टीव्ही 24. गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट. रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध. उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट. फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या. प्रत्येक प्लॉट बुकिंग वर 5 निश्चित उपहार.
कलर एलईडी टीव्ही, फ्रिज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर. आमची वैशिष्ट्ये: भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक डीपी, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाए. बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. 100% सुरक्षित गुंतवणूक. सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा. संपर्क करा. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा. आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1,00,000 रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति. इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज. साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ. हमारा पता: झंडा चौक, नटराज टॉकीज के अपोजिट, महल, नागपुर. संपर्क करें 07122995545 और 9850396080 पर. श्रीराम नगरी फरसान नागपुर, स्वाद भरोसे के साथ, जहां आपको मिलेगा समोसा, मटर कचौरी, चावल ढोकला, खमन ढोकला, नमकीन के साथ साथ मिठाई, वो भी शुद्ध देशी घी की. इस दीपावली श्रीराम नगरी फरसान में आपको मिलेगा दीपावली का फराक, वो भी शुद्ध तेल और घी से निर्मित. श्रीराम नगरी फरसान नाम ही काफी है. तो देर किस बात की, गरम नाश्ते का मजा लेना है तो आइए महात्मा फुले नगर, पांड्रा बोड़ी रोड, रामनगर, नरेश बुक डेपो के बाजू, नागपुर. संपर्क करें 9370494240 पर. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काले पाइल्स लेजर हॉस्पिटल. हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है. एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल तारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण. और एड्रेस: काले आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर. और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824. विश्रांतीनंतर आपले स्वागत. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथील राजाराम बंधारा परिसरात दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. दीपोत्सव पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. महोत्सवात सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले होते. सायंकाळच्या सुमारास कसबा बावडा येथील राजाराम बंधारा येथे भारतवीत मित्र मंडळातर्फे दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. यंदाचे हे 16वे वर्ष आहे. यावेळी कसबा बावडा परिसरातील नागरिक एकत्र येत परिसर सुंदर रांगोळी आणि दिव्यांनी उजळून टाकला. नदीवरील घाट, मंदिरे, दीपमाळावर दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. दीपोत्सव पाहण्यासाठी नदी परिसरात नागरिकांनी फुलून गेला होता. बंधारावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. गेली 16 वर्ष झाले भारतीय मित्र मंडळ कसबा बावडा या पंचगंगा घाटावरती दीपोत्सव साजरा करत आहे. 10 ते 11 हजार दिव्यांचा हा कार्यक्रम असतो. बावड्यातील सगळ्या इच्छुक रांगोळी जे असते ते सगळे प्रत्येक नाव आपली रांगोळी काढत असते. मंडळाच्या वतीने त्यांना रांगोळी देण्यात येते आणि जवळजवळ 10 ते 15 हजार महिलांचा इथे सहभाग असतो.
भारतीय मित्र मंडळ पूर्ण ताकदीने मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम आयोजित करत असते. अमरावतीच्या स्थानिक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात 26 नोव्हेंबर संविधान दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला राजकीय सामाजिक क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातील गणमान्य नागरिकांनी अभिवादन करून त्यांच्या संविधान सभेतील कार्याचा गौरव केला. संपूर्ण दिवसभर नागरिकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात अभिवादनासाठी रांगा लावल्या होत्या. तर रात्री फ्रेझरपुरा येथील नवयुवक मंडळाच्या वतीने मोठी रॅली काढून संविधान सन्मान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी हजारोंच्या संख्येने नागरिक या संविधान सन्मान रॅली मध्ये सहभागी झाले होते. रॅली मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमा सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत होत्या. डीजेच्या तालावर संविधान, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा गौरव करणाऱ्या तसेच अन्य गीतावर तरुणाईने ताल देखील धरला होता. महाराष्ट्र पुरोगामी विचाराचा त्याच महाराष्ट्रामध्ये समाजाचं राजकारण सुरू आहे. राजकारणासाठी त्याचा उपयोग न करता ज्या समाजाची मागासलेली लोक आहेत यासाठी दोन्ही उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री हे सरकार प्रयत्नशील आहे असे केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील म्हणाले. पवार साहेब हे एका पक्षाचे नेते आहेत, त्यांना त्यांच्या पक्षाची चिंता देणं असणार, त्याच्यामुळे ते का फिरतात किंवा त्यांच्या फिरण्याकडे मी कसा बघतो याचं उत्तर काय देणार. आता मी माझ्या मतदारसंघात दररोजच फिरतो. काही शक्ती प्रदर्शनाने होणार नाही. या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ही जी महायुती आहे ही मजबूत आहे. कोणाच्या येण्याने काही होणार नाही याच्यामध्ये काहीतरी मात्र शंका नाही. आणि आमचे जे नेते आहेत आदरणीय मोदीजी, या मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आपण सगळे बघता, या निवडणुका अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या आहेत पण लोकसभेचे पण सर्वे होऊन गेले. तर बी जे पीचे एकट्याचे 290 जागा येतात अशा प्रकारचा सर्वे आला. त्यानंतर NDAचे मिळून जवळजवळ 350 जागा यायला लागल्या. त्यामुळे या देशामध्ये बाणगंगा येथे पारंपरिक पद्धतीने महाआरती पार पडली. आरतीसाठी मोठ्या संख्येने भक्तांची गर्दी झालेली पाहायला मिळाली. आराध्य ढोलताशा पथक यांनी पहिली सलामी देत महाआरतीचा शुभारंभ केला. हजारोहून अधिक दिवे प्रज्वलित करून आरती पार पडली. मुसळधार पाऊस सुरू असताना देखील आरतीला सर्वांनी उपस्थिती कायम ठेवली. 26 नोव्हेंबर भारतीय संविधान दिनानिमित्त प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या तर्फे सत्यपाल महाराज यांचे शिष्य राष्ट्रीय समाज प्रबोधनकार सप्तखंजिरी वादक कुमारी क्रांती काळे यांचा समाज प्रबोधनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे आमदार बच्चू कडू यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यासोबतच 100 संविधानाच्या प्रती तसेच भरतीपूर्व अभ्यास करण्याकरिता तात्याचा ठोकळा या 100 पुस्तकांचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात आले. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांनी संविधान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. आमच्या कोळी गावातील ग्रामस्थांनी गेली 25 वर्ष अथक परिश्रम करून जंगलाचं संरक्षण केलेलं आहे. याच जंगलातनं स्टरलाईटची विद्युत वाहिन्या जात आहेत आणि त्यांच्यासाठी जे मनोरे उभारले गेले आहेत त्या मनोऱ्यांसाठी आणि विद्युत वाहिन्यांसाठी झाडांची जवळपास 4,500 झाडं तुटणार आहेत. या झाडांची झाडं तुटणार असल्यामुळे ग्रामस्थ हतबल झालेले आहेत. प्रमुख बातम्यांमध्ये वेळ झाली आहे, इथेच थांबण्याची. बघत रहा महाराष्ट्र TV24. ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन्ड भी है डीप स्लीप के लिए. लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा. स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस. अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा. इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं. दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती है. साइंटिफिकली बैक, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री. स्ट्रेस फ्री मैट्रेस, रेस्ट योर बॉडी एंड सोल. अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नियर यू. फॉर बिजनेस इंक्वायरीज प्लीज कॉन्टैक्ट. नमस्कार,
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। देश भर में गुरु नानक जयंती बहुत ही शौक से मनाई जा रही है, वैसे ही उपराजधानी नागपुर में भी गुरु नानक जयंती की उतनी ही धूम मची पड़ी है। इस समय मौजूद है जेरी पटका इलाके में और यहाँ पे जो है शोभा यात्रा का जुलूस निकाला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरी शोभा यात्रा निकाली गई है वाहेगुरु जी के नाम पे, गुरु नानक जयंती के लिए यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई है। और आप देख सकते हैं ये पूरी शोभा यात्रा 1 से 8 बजे तक पूरे जेरी पटका इलाके में घूमने वाली है, जो कि हर इलाके में जाने वाली है शोभा यात्रा, और यहाँ से फिर वो गड्डी गोदाम के गुरुद्वारे में जाने वाली है शोभा यात्रा, जो पूरे जेरी पटका इलाके में घूमने वाली है। अब वो निकाली क्यों जाती है, ये जानते हैं यहाँ पे हमारे अंकल से कि क्यों निकाली जाती है शोभा यात्रा। जी, शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? ये गुरु नानक देव का जन्मदिन है, हर आदमी को गुरु नानक देव जी को मानना चाहिए, इसलिए शोभा यात्रा निकालते, घर घर में प्रचार होना चाहिए, हर हर घर में जाना चाहिए, गुरु नानक का नाम लेना चाहिए, गुरु जप साहब पढ़ना चाहिए, सब गुरु नानक देव जी ने बोल के गए। जी, और अगर हम गुरु नानक जयंती की खास तैयारियों की बात करें तो क्या क्या तैयारियां जेरी पट्टा इलाके में की गई है गुरु नानक जयंती के लिए? सब जगह गेट है, प्रसाद बांटे जा रहे हैं, गेट लगाए गए हैं, सब जने सेवा हार पहना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, जो आता है सेवा करता है। श्री गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक हैं, उन्होंने सिख पंथ को जो कर्म कांड थे उनसे बचाकर कलयुगी जीवों को परमात्मा के नाम से जोड़ा है। आज उनकी 544वीं जयंती है। हमारा कलगी सत्संग मंडल पिछले 54 साल से जरी पटका में, आज से 54 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी गुरु नानक जयंती, तब से हम रेगुलरली मनाते आ रहे हैं। और गुरु नानक जयंती के शुरुआत में जब हम यहाँ कलगी सत्संग में स्थापना की थी तब सिर्फ 13 लोगों से एक प्रभात फेरी स्टार्ट हुई थी, अब आप विशाल इसका दृश्य देख रहे हैं। और गुरु नानक देव जी ने सभी को मानस की जात सभी एक ही पहचान, वो मानस की जात यानी पूरे जो संसार में इंसान है सबकी जात एक ही है, कोई धर्म अलग नहीं है, कोई नहीं है, सबका संदेश दिया है, सबको मिलजुल के अपनी कमाई करो, उसमें से लोगों की सेवा करो और उसमें से मिल बांट के खाओ, ये संदेश गुरु नानक ने दिया है। यही संदेश फैलाने के लिए कलगी सत्संग मंडल गुरु नानक देव जी के जयंती में उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालता है। और ये जो शोभा यात्रा यहाँ निकल रही है जेरी पटका इलाके में, वो कौन से और इलाकों में जाने वाली है? जेरी पटका के बाद यहाँ से जाएगी इंदौरा चौक, कड़बी चौक, मेकोसा चौक, फिर वापस वहाँ से जेरी पटका आके मंडल में समापन होगा 8 बजे आज शाम को। ऐसे ही देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24, कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं खुशबू परियानी। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर, अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मी आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 च्या प्रादेशिक सुपरफास्ट बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। नजर टाकूया राज्यभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर।
दंगल घडवणाऱ्यांवर आता कारवाई केली जाणार आहे. दंगली घडवण्याचं काम जाणीवपूर्वक केलं जात आहे. राज्यात दंगली घडवून सरकार कसं बदनाम होईल आणि राज्य सरकार कसं बदनाम होईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्य सूत्रधार दंगल करायला लावणारे लोक आहेत, त्या दंगल घडवायला लावली याच्या मागे कठोर कारवाई व्हावी अशी सरकारला विनंती संजय शिरसाट यांनी केली. छत्रपती संभाजी नगर शहरामध्ये आज पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. यावेळी रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे वाहन चालकांना वाहन चालवताना कसरत करावी लागते. काही जिल्ह्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे तर काही जिल्ह्यामध्ये अवकाळीनं नुकसान झालंय. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आहेत. संवेदनशील सरकारनं कामाला लागलं पाहिजे. प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावा आणि जास्तीत जास्त निधी केंद्र सरकारनं राज्याला देऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी ही आमची मागणी. हा विषय मी ताकदीनं लोकसभेत मांडेल असं वक्तव्य सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. मला पॉलिसी पॅरालिसिसचं आणखीन एक उदाहरण. या सरकारमध्ये कोऑर्डिनेशन नाही. जे मी गेले 2 महिने तुमच्या सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्समधून बोलते, तुम्हीच माझा इंटरव्ह्यू दोघांनी किती वेळा घेतला आहे ज्याच्यात मी म्हणले की नाही, पॉलिसी पॅरालिसिस आणि मिसकम्युनिकेशन. आता भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे सरकार आणि अजित पवार गट यांचं सरकार आहे की नाही, यांचा कॉन्फ्लिक्ट कुणामध्ये? अजित पवार गट आणि शिंदे सेना. शिंदेंची जी सेना आहे आणि अजित पवारांचा जो गट आहे त्यांच्यातच मिसकॉर्डिनेशन आहे ना या ग्रस्ताबद्दल. तर याचं उत्तर मी कसं देणार? जे सरकारमध्ये आहेत त्यांच्यातच सावळा गोंधळ चालला आहे. त्याच्यामुळे आता आम्ही बिचारे काय करणार? आम्ही आपलं लांबून हे सगळं गडबड बघतोय. आणि दुर्दैव एका गोष्टीचं आहे की कॉन्फ्लिक्ट आणि मिसमॅनेजमेंट आणि पॉलिसी पॅरालिसिस या ट्रिपल इंजिन सरकारमध्येच आहे. 200 आमदार आहेत त्यांच्याकडे. त्यांनी दुष्काळ आणि आजची जी गारपीट झालेली आहे, जे नुकसान शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे, ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्याच्याऐवजी या सरकारमधलेच 2 गट एकामेकाशी भांडतायत. ताई, ह्याला जोडून असा प्रश्न आहे. संजय राऊत असं म्हणतायत की जालन्याच्या गेस्ट हाऊस मध्ये हा सगळा प्लान कोणाच्या प्रश्नाला? संजय राऊत काही ते ह्याला जोडूनच प्रश्न आहे की संजय राऊत असं म्हणतायत की अंतसराटीमध्ये जो जालन्याचा प्रकार घडला तो गेस्ट हाऊस मधून बसून हा सगळा प्रकार आहे तो कट रचण्यात आला होता राष्ट्रवादीकडून. राष्ट्रवादीकडून म्हणजे राष्ट्रवादीच्या कडून हा सगळा कट रचण्यात आला होता. संजय राऊत आमच्याबद्दल बोलले असं शक्यच नाही. राष्ट्रवादी इम्पॉसिबल. आता संजय राऊत असं कधीच म्हणणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेटवर नियंत्रण नाही, त्यांचेच मंत्री त्यांचे ऐकत नाही. सर्व पक्ष वेगवेगळे बोलतात. केंद्राची राज्याची तुमच्या हातामध्ये सत्ता आहे, परंतु अशा पद्धतीनं समाजात तेढ निर्माण करण्याचं भारतीय जनता पार्टीचा उद्देश आहे. म्हणून ते जाती जातीमध्ये भांडण लावण्याचं काम देशात करतायत आणि महाराष्ट्रात करतायत असं वक्तव्य अंबादास दानवे यांनी केलंय. लाठीमार कोणी करायला सांगितलं होता? मराठा समाजाचं आंदोलन चालू असताना त्याच्यावर लाठीमार कोणी केला? पोलिसांनी गोळ्या कोणी मारल्या? याचं उत्तर काय येत नाही अजून. त्याचं समर्थन कोण करतं? संजय शिरसाट ज्या पक्षाचे त्या पक्षाचे मंत्री मुख्यमंत्र्याला पत्र देतात. नाम करण्याचा प्रयत्न आपण केला जातो. बघा ना, तुमचेच लोक आहेत. कोण आहे तिथं राजभवनला? हे आंदोलन अशा पद्धतीनं जातीयवादाचं बीज रोवण्याचं काम तर भारतीय जनता पार्टी करते. बघा भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे फडणवीस साहेबांच्या रोजचे स्टेटमेंट बघा. अशा पद्धतीनं आज तुमच्या सरकारमधले मंत्री बोलतात, छगन भुजबळ म्हणतात, रक्ताचे पाठ वाहतील, हे वाहतील, हे वाहतील, याचं समर्थन करतात तुम्ही आणि मराठा समाजाला बदनाम करता. 4 लोक असतील फोटो सगळ्याबरोबर काढत असतात अशा लोक म्हणतात ते काय उपाट. गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट. रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध. उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट. फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या. प्रत्येक प्लॉट बुकिंग वर 5 निश्चित उपहार, कलर LED TV, फ्रीज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर. आमची वैशिष्ट्ये भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक DP, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाए. बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. 100% सुरक्षित गुंतवणूक. सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा. संपर्क करा. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना,
जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1,00,000 रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर। संपर्क करें 07122995545 और 9850396080 पर। श्रीराम नगरी फरसान नागपुर, स्वाद भरोसे के साथ, जहां आपको मिलेगा समोसा, मटर कचौरी, चावल ढोकला, खमन ढोकला, नमकीन के साथ साथ मिठाई, वो भी शुद्ध देशी घी की। इस दीपावली श्रीराम नगरी फरसान में आपको मिलेगा दीपावली का फराक, वो भी शुद्ध तेल और घी से निर्मित। श्रीराम नगरी फरसान नाम ही काफी है। तो देर किस बात की, गरम नाश्ते का मजा लेना है तो आइए महात्मा फुले नगर, पांड्रा बोड़ी रोड, रामनगर, नरेश बुक डेपो के बाजू, नागपुर। संपर्क करें 9370494240 पर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काले पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस काले आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। बीडमध्ये जाडपोळ आणि हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी पप्पू शिंदे यांचे फोटो पाहून आता भाजप नेत्यांनी सांगावं की बीडच्या हिंसाचाराचा कुणाचा हात आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा। ऋषिकेश वेद्रे बरोबरचे फोटो ट्विट करून शरद पवार यांचं नाव खराब करण्याचा काम विरोधक करतायत असा आरोप मेहबूब शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष युवक अध्यक्ष शरद पवार गट यांनी केलाय। हवामान विभागाने दर्शविलेल्या अंदाजानुसार काल संपूर्ण राज्याला अवकाळी पाऊस झाला। या पावसामुळे रब्बी पिकाचं मोठं नुकसान झालंय। तर हिंगोली जिल्ह्यातील 5 जिल्ह्यात आणि तालुक्यात काल मध्यरात्रीपासून विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारा आणि गारांसह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली। यामुळे अनेक भागातील विद्युत पुरवठा देखील खंडित झाला। तर सगळीकडे पडत असलेल्या मुसळधार अवकाळी पावसानं रब्बी पिकाचं मोठं नुकसान झालंय। विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे शहरातील कर्णपुरा येथील भवानी मातेच्या मंदिरात सपत्निक जाऊन देवीचे दर्शन त्यांनी घेतलंय। आपल्या मुलाच्या लग्नाची पत्रिका देखील देवापुढे ठेवली। यावेळी त्यांनी मंदिराची पाहणी देखील केली। प्रदूषण मुक्त आणि शाश्वत शहरांच्या निर्मितीसाठी आज कचऱ्यावर प्रक्रिया करीत मूल्य निर्मितीची गरज आहे। यासाठी सर्क्युलर इकॉनॉमी हे उत्तम उदाहरण आहे। महानगरपालिकेच्या एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलाय। राज्यात विविध ठिकाणी सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्कची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले। केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज नागपूर महानगरपालिकेच्या एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले। याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री बोलत होते। आणि यासह प्रादेशिक सुपरफास्ट बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। इतर बातमीपत्रांसाठी बघत राहा महाराष्ट्र TV24। नमस्कार। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
जागतिक बवासीर दिन के उपलक्ष्य में अभ्युदय पायल्स हॉस्पिटल में 20 नवंबर से 30 नवंबर तक लेजर उपचार में पाए 50% तक की छूट। अभी विजिट करिए अभ्युदय पायल्स हॉस्पिटल जो है लोहार समाज भवन के पीछे शताब्दी चौक मनीष नगर रोड नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। पांच आरोपियों का डकैती का प्लान फंस गया। नई कामठी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान छापामार कार्रवाई को अंजाम देकर यूनिट 5 की टीम ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि 5 आरोपी डकैती की तैयारी में बैठे थे। यूनिट 5 की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर उनके पास से कुल 15,44,000 का माल बरामद किया। आरोपियों के नाम इरशाद अली वल्द नौशाद अली, बद्दीस चौधरी वल्द इद्रिस चौधरी, विनोद राजमन गौतम, मोहम्मद शरीफ वल्द नसरम अली इद्रिस और फरियाद चौधरी वल्द अजगर अली चौधरी बताए गए। आगे की जांच जारी है। शनिवार तारीख 25 नवंबर को माननीय पुलिस आयुक्त साहब के आदेश से कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे शहर में शुरू गया था। रात 8 बजे से 1 बजे तक रात को, उसी दरमियान हमारी पेट्रोलिंग टीम कामठी एरिया में थी और कामठी एरिया का दो आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ कुछ गतिविधियाँ जैसे जानवर है या और कोई कार्रवाई है, इस हिसाब से हम लोग वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे ये 5 लोग गाड़ी और सामान के साथ हमको मिले, तो उसके ऊपर से उनके ऊपर कार्रवाई की हमने। इनके नाम 5 आरोपी टोटल इरशाद अली, नौशाद अली, बद्रुद्दीन चौधरी, विनोद गौतम, मोहम्मद शरीफ और फरियाद चौधरी, ये सभी यूपी के रहने वाले हैं। और इनके पास हमको एक मारुति की स्विफ्ट कार
और ये बोलेरो पिकअप, बाकी जो सामान है चाकू दोरी मिर्ची पाउडर, और मेनली जो हाई टेंशन लाइन या बड़ी बड़ी केबल्स जो रहती है उनको काटने के लिए जो कटर्स लगते हैं, ये कटर्स, ये सामान हमको उनके पास से मिला है। कार्रवाई में यूनिट के सभी अधिकारी कर्मचारी थे क्योंकि सबको उस दिन बाहर पड़ने के आदेश थे। पूरा मुद्देमाल ये 15,44,000 का समथिंग है ये, और कामठी हुई है। हमारी कार्रवाई होने के बाद सभी आरोपी और मुद्देमाल नए कामठी थाने में हमने दिया है, और जैसे आज जानकारी प्राप्त हुई 2 दिन के PCR पे आरोपी को उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र TV24 के लिए कैमरामैन अविनाश तोतड़े के साथ आचल लोखंडे, नागपुर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल FDR पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1,00,000 रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर। संपर्क करें 07122995545 और 9850396080 पर। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, महाराष्ट्र TV24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, नागपुर में एग्रोविजन एक्सीबिशन बहुत जोर शोर से चल रहा है। यहां पे जो किसाने हैं इनके लिए यहां पे एक से एक बाहर से प्रोडक्ट आई हुई है। ट्रैक्टर से बोलिए, इनकी जो टूल्स होती है, मशीन्स होती है, वो यूज़ करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी आई हुई है। तो यहाँ के कुछ जो किसान हैं इनसे हम यहाँ पूछते हैं कि यहाँ का जो एग्जीबिशन लगा वो कैसा चल रहा है। सर, तो यहाँ का जो एग्जीबिशन चल रहा है वो कैसा लग रहा है? अच्छा चल रहा है? और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो कैसा लग रहा है? नमस्कार सर, माझे नाव शिशुपाल गोपीचंद पटोळे आहे। मी भंडाऱ्यावरनं आलेलो आहे इथे, आणि 2-3 दिवसापासून हा एक्झिबिशनचा कार्यक्रम चालू आहे इथे, आणि नवनवीन असे शेतीविषयक उपक्रम इथे दाखवले जातात आणि खूप चांगलं काम आहे। मी धन्यवाद मानतो गडकरी साहेबांचा। नमस्कार, मैं आनंद जाजोदिया। एग्रोविजन एग्जिबिशन जो हर साल यहाँ पे नागपुर में होती है, बहुत बढ़िया एग्जिबिशन हो रही है। उसमें हमने स्टॉल लगाया है कृषि क्रांति केंद्र, एक्सली एग्रो इंडस्ट्रीज और कृषि क्रांति ट्रैक्टर्स की तरफ से। हमने एक्सल इंडस्ट्रीज इस साल नया वेंचर शुरू किया हुआ है, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इस प्रोडक्ट रेंज का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। उसके करीबन 60 के ऊपर प्रोडक्ट है, जो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छे प्रकार से उसका रिजल्ट्स आ रहा है और किसानों ने अच्छा उसको पसंद किया है। हम कृषि क्रांति का ट्रैक्टर्स में सीडलिंग ट्रे का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके अलावा लैंडस्केप गार्डनिंग का काम करते हैं और कोकोपीट, कृषि पीट इनका प्रोडक्शन करते हैं। हमारे पास कृषि क्रांति के अंदर जो 50 साल पुरानी संस्था है, जिसमें खेती से और बागवानी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है, जिसमें हमको डिज़ाइन पेटेंट मिला है, सुमन लॉन मोर, जो 3 महीने की सेटिस्फैक्ट्री गारंटी और 1 साल की वारंटी से आता है, के साथ आता है और काफ़ी पसंद किया जाता है। पिछले 10 साल से 8 साल से लोगों ने काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया है। हमारा एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो है रोज़ मिक्स, 40 साल से कृषि क्रांति के अंदर के ट्रेडमार्क के अंतर्गत बेचने वाला एक ही एक मेवा
मैन्युफैक्चरर है रोजमिक्स के, बाकी सारे जो मार्केट में मिलते हैं वो डुप्लीकेट है। रोजमिक्स ये जड़ों के लिए अच्छा काम करता है, फूलों के लिए अच्छा काम करता है, ब्रांचिंग के लिए अच्छा काम करता है, फ्लावरिंग के लिए अच्छा काम करता है। आप इसको सभी प्रकार के झाड़ों में, शो के झाड़ों, फल के झाड़ों, सब्जी के झाड़ों, गुलाब के झाड़ों, किसी भी प्रकार के झाड़ों उसमें आप इसको अच्छी तरह से दे सकते हैं। आपको इसको रूटिंग के लिए दे, अच्छे जड़ के लिए दे सकते हैं, शुरू में जब आप पौधा नया लगा रहे उस समय दे सकते हैं, अच्छी ब्रांचिंग के लिए जा सकते हैं, अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए दिया जा सकता है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है एग्रोविजन एग्जीबिशन का। हमने इस साल फैल्कॉन इंडस्ट्रीज का स्टॉल यहाँ पे लगाया है। फैल्कॉन इंडस्ट्री का स्टॉल नागपुर में पहली बार या मध्य भारत में पहली बार लगाया है यहाँ पे। ये फैल्कॉन इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर खेती बागवानी के औजार बनाने वाली भारत की नंबर वन कंपनी है। इससे अच्छे औजार कहीं पे भी किसी के भी भारत में बनते नहीं और आते नहीं हैं। इस औजार की पूरी रेंज आपको इस एग्जीबिशन में देखने मिली है और आगे आपको कृषि क्रांति केंद्र में देखने मिलेंगे। कृषि क्रांति केंद्र इनके मध्य भारत के डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं। ये सारे काम मध्य भारत में कृषि क्रांति केंद्र के माध्यम से करते हैं। इस प्रोडक्ट की अधिक जानकारी आपको कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव अखिलेश श्रीवास्तव जी देंगे। हाँ जी नमस्ते, मैं अखिलेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैनेजर हूँ। 35 साल पुरानी हमारी फाल्कन गार्डन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लुधियाना पंजाब में स्थित है। मैं इसमें कार्यरत हूँ, 15 साल हो गए हैं मुझे। इस कंपनी के बारे में भारत में ये नंबर वन कंपनी है। बागवानी यंत्र आते हैं इसमें, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट एट्सेट्रा सभी कुछ आते हैं इसमें। और इस कंपनी के माध्यम से ही किसानों को जहाँ जहाँ लेबर की समस्या आ रही है इन यंत्रों को यूज़ करके ही फ़ायदा उठाया जा रहा है। और गवर्नमेंट हमारी जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं वो खुद बोलते हैं कि हम चाइना को प्रमोट ना करें, लोकल वोकल को ही चलाएँ। तो इसके माध्यम से हम अपने स्वदेशी यंत्रों का ही प्रचार प्रसार करके किसानों को वितरित कर रहे हैं। और भी किसानों से आइए बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है। तो हम यहाँ पे आज एग्रोविजन में आए हैं। तो ये जो एग्रोविजन हर साल यहाँ पे लिया जाता है ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे किसानों को नए नए आइडिया आती है और नई नई फसल कैसी ली जाती है इसके बारे में भी किसानों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो जो भी गवर्नमेंट है इनके हम शुक्रगुजार है कि किसानों के लिए इतना अच्छा अवसर वो प्रदान कर रही है। और ऐसे ही अगर हर साल लेते रही तो किसानों में अच्छी जागरूकता आएगी और किसान अच्छी तरह से अपनी आमदनी कवर कर सकेगा। तो इतना ही मैं बोलूँगा। और जो भी किसान है वो इस एग्रोविजन से कुछ फ़ायदा उठा के अपने जिंदगी अच्छी तरह से बसर करेंगे, ऐसी मैं किसानों से गुजारिश करूँगा। आइए और भी कुछ किसानों से बात करते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। तो जी सर नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर सचिन भास्कर और हमारा जो है यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है वो स्टॉल है चंदन खेती के बारे में। तो अभी देश का किसान जो है वो अलग अलग तकलीफों से गुजर रहा है। रिविन वेंचर इंडिया ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है जिसे जो छोटा किसान है जिसके पास सिर्फ आधा एकड़, एक एकड़, डेढ़ एकड़, दो एकड़ खेती है, उसने भी अगर चंदन का खेती किया तो वो छोटा किसान जो है वो सिर्फ 20 चंदन का पेड़ लगा के आने वाले 3 साल से वो हर पेड़ से 20 पेड़ से जो है वो 18,000 रुपये कमा सकता है। और वो छोटा किसान जो है वो 15 साल में 20 पेड़ से 45 लाख रुपए कमा सकता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो रिवर वेंचर इंडिया ने शुरू किया हुआ है। और रिवर वेंचर इंडिया जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी 25 छोटी छोटी नर्सरीज लगाई है। अभी रिसेंटली ये आने वाले 3 से 4 साल में पूरे देश के अंदर जो है वो रिवर वेंचर इंडिया किसानों को, छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर चंदन खेती का काम से जोड़ के छोटे किसानों को बड़ा बनाने का कंपनी ने सोचा है। और इस मिशन पे कंपनी जो है वो हर रोज काम करती है। तो मैं सभी किसान लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसान से अगर अमीर बनना चाहते हो बहुत कम समय में, बहुत इन्वेस्टमेंट से, छोटे इन्वेस्टमेंट से अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको चंदन का खेती जो है वो करना चाहिए। देश के अंदर जो है 2 प्रकार के चंदन हैं और आपने जो अगर सफ़ेद चंदन का खेती किया तो बहुत कम समय में, बहुत कम जमीन में, बहुत कम निवेश में आप अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और 1 एकड़ में अगर किसी ने चंदन का खेती किया तो आने वाले 3 साल से वो 3,60,000 रुपये कमाएगा और
15 साल में वो 10 करोड़ रुपए कमाएगा, इतना ही मैं किसानों को कहना चाहता हूँ। तो रिविल वेंचर इंडिया से संपर्क करिए। नमस्ते, मेरा नाम अंकुश दिवे है। हमारा कारंजा तालुका वर्धा जिला में सुचारा फॉडर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। हमने एक FPO तैयार की है। हमारे 800 किसान भाई है जो हमारे शेयर होल्डर्स है। हमने मिलकर हरे चारे का उत्पाद लिया है। 100 एकड़ में हमने मक्का और ज्वार का सोइंग किया है, जिसमें हम लोग 90 दिन होने के बाद किसानों से वो 2000 रुपये टन से मक्का और ज्वार काटेंगे और उसका हार्वेस्टिंग करके हमारे साइलेज मशीन में उसके बेल्स बनाएंगे। साइलेज एक क्या रहता है, साइलेज मतलब हरी घास को हवा बंद करके अपन टाइट कर पैकिंग करते हैं। वो पैकिंग करने से वो साल भर तक हरा चारा टिका रहता है और वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से अच्छा रहता है। हमारा मदर डेयरी और NDDB की सहायता से ये FPO तैयार हुआ है। विदर्भ के हर जिले में हम लोग गांव-गांव तक किसानों को ये हरा चारा साइलेज के रूप में साल भर उपलब्ध करा के देने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके यहाँ के किसानों का रिएक्शन है कि यहाँ यह बहुत ही अच्छा किया जा रहा है नितिन गडकरी साहब के द्वारा, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, इतना अच्छा एग्जीबिशन नागपुर में किया जा रहा है। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मास्टर टीवी 24। कैमरामैन कुमार के साथ मैं अभिषेक दुबे। दिस वीडियो इज को स्पॉन्सर्ड बाय अबुदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर संध्या बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यूपी बिहार की सीमा पर स्थित बलुआ अफगान के गंडक नदी घाट पर आज हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रात 2 बजे ही स्नान शुरू हो गया जो दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान यहां पर चल रहे रुद्राभिषेक हवन कुंड की प्रदक्षिणा करने का सौभाग्य भी यहां के श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर लगे मेले का आनंद भी श्रद्धालुओं ने उठाया। मान्यता है कि भगवान शंकर ने आज ही के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु का प्रथम मत्स्य अवतार आज ही के दिन हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान कर दान पुण्य करने और नदी किनारे दीपक जलाने से पापों का शमन होकर कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में सभी नदियों में श्रद्धालुओं ने आशा की डुबकी लगाई। आइए देखते हैं यूपी बिहार के सीमा पर गंडक नदी किनारे बलुआ अफगान बुढ़वा बाबा घाट पर हुए इस पवित्र स्नान प्रदक्षिणा और मेले का नजारा हमारे संवाददाता नारद प्रसाद ठाकुर के साथ। गोंदिया के स्थानीय रामनगर थाना क्षेत्र कुडवा चौक के समीप सूत्रों के अनुसार रात्रि 2 बजे के करीब संकेत अजय बोरकर उम्र 19 साल तथा आदर्श भगत उम्र 20 साल अपनी गाड़ी से कुडवा पहुंच रहे थे। दोनों दोस्त प्रज्वल मेश्राम 21 वर्ष के साथ घरगुती वाद हुआ, जिसके चलते संकेत का वही झगड़ा होकर प्रज्वल मेश्राम की हत्या करने की जानकारी सामने आई। मारने वाला मित्र संकेत भी बुरी तरह से घायल होकर नागपुर ले जाया गया। साथ में जाने वाले युवक आदर्श भगत का शासकीय दवाखाने में भर्ती होकर आगे की जांच रामनगर पुलिस कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श भगत। कैसे किसी घटना हुई अंदाजे? उधर गोवा बात करने बात करते करते में संकेत इतना क्या बात किया, गाली गलौज से चाकू मार दिया, फिर वो प्रज्वल मिश्रा को उठाया, उसको गाड़ी बैठ रहा तो कोई गाड़ी नहीं चला रहा था, फिर गिर गया गाड़ी से, फिर उस बीच बेचारा ने उसके भाई लोग ने मारना चालू कर दिए थे संकेत को। अच्छा। फिर बचाने गया वो मत करो करके तो मेरे को ही मार दिया हमने फिर। अच्छा। फिर वहाँ से 2-3 लोगों ने बचा हमको, फिर जैसे तैसे निकला वहाँ से। अच्छा, तो एक जन को वहीं मर गया क्या? और पता नहीं है। अच्छा। और ये कभी गंभीर घायल हो गया नागपुर नागपुर। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर गोंदिया। अब बात करेंगे युवक कांग्रेस की, जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के तहत युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे में आज नागपुर जिला ग्रामीण महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुंदा राउत ने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही ये विश्वास जताया कि आने वाले 2024 चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। हमारे नेता सुनील जी केदार साहब, इनके नेतृत्व में हम जिले में काम करते हैं। आज नागपुर ग्रामीण तालुका के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष
बोखारा के रहवासी मुकेश केलवतकर को बनाया गया है। इस प्रोग्राम में, इस पदग्रहण में महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के महासचिव अश्विन जी बैस, हिंगना विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष फिरोज जी शेख, हमारे बोखारा के ग्राम पंचायत के माजी सदस्य जावेद शेख यहाँ उपस्थित है। इनके उपस्थिति में हमने बोखारा ग्राम पंचायत का गांव का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सनी आवड़े को बनाया है, उपाध्यक्ष को अमीर शेख को बनाया है, सचिव अखिल सावजी को बनाया है और तालुका ग्रामीण नागपुर का अध्यक्ष हमारा मुकेश केलवतकर बनाया है। हमारी सारी टीम यूथ कांग्रेस की रहो, महिला कांग्रेस है, राजीव गांधी संगठना की एक टीम, ये सारे हम लोग आदरणीय सुनील केदार साहब के नेतृत्व में काम करते हैं और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में हमारी ये टीम अच्छे से काम करेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए। इतना में यहाँ बिल्कुल जिले में वैसे भी कांग्रेस सुनील केदार साहब के नेतृत्व में मजबूत है और यूथ कांग्रेस के माध्यम से और मजबूत होंगी, ये मुझे विश्वास है यूथ पे। नहीं, ये शुरू से ही कांग्रेस में और कांग्रेस की विचारधारा में ग्रामीण में घर घर तक पहुंचने का काम इन्होंने किया है यूथ कांग्रेस के माध्यम से, इसलिए आज मुकेश केलवतकर इनकी नागपुर तालुका अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। और यूथ कांग्रेस के माध्यम से एक हमको IYC की तरफ से, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया है कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, हमको घर घर तक पहुंचाना है, हमको बूथ पे काम करना है, उस माध्यम से हमने नियुक्ति की गई है। हमारे नेता कुंदाताई के नेतृत्व में हमने नियुक्ति की है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दादा राउत, उन्होंने हमको यानी बताया है कि हमको नई नियुक्ति करके घर घर तक पहुंचना है, गांव गांव तक पहुंचना है, इसलिए इस माध्यम से हमने ये नियुक्ति शुरू की गई है। और कुंदाताई के नेतृत्व में यहाँ पे हिंगना विधानसभा पहले से ही मजबूत है और यूथ कांग्रेस के माध्यम से और ज़्यादा मजबूत होगा, ये कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं। नहीं, कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल ही रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आंदोलन भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है, ये मीडिया कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है। आप सबके माध्यम से जो सिर्फ सोशल मीडिया यूट्यूब हो गया या फिर अपने पोर्टल चैनल हो गए, उस माध्यम से ही सिर्फ कांग्रेस का काम दिख रहा है। बाद में बाकी आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल जो है मीडिया का, वो कांग्रेस की जो पॉजिटिव चीज़ें वो नहीं दिखाती, निगेटिव चीज़ें दिखाती है। लेकिन हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से सतत हम बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, इसके खिलाफ में हमारा आंदोलन चालू है। जो हमारे नागपुर से या हमारे महाराष्ट्र से जो इन्होंने गुजरात में कंपनियां भेजने का काम किया, इसके पहले हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री के घर का घेराव किए थे। उसमें हमने मुख्यमंत्री के नाम के आगे में लिखा था कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुजरात के CM है, ना कि महाराष्ट्र के, क्योंकि इन्होंने जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात भेजने का काम किया है। तो मीडिया ये कहीं ना कहीं दिखाती नहीं है, इसका नेगेटिविटी कांग्रेस की तरफ फैलाने का काम कर रही है, जो पॉजिटिव चीज़ें वो मीडिया नहीं दिखाती है। अभी जो 5 राज्य के जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उसमें तो कांग्रेस ही आने वाली है और आने वाले 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है, लोग बहुत त्रस्त हो गए मोदी गवर्नमेंट के, इससे जो बेरोजगारी जो देश में बढ़ रही है, इससे जो देश का युवा वर्ग है वो बहुत नाराज है ये भाजपा सरकार से। और आने वाले 2024 में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ये देश में बैठने वाली है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुंदाताई राउत जिला परिषद उपाध्यक्ष, उनके हम हमारे प्रेरणा स्थान है, उनके माध्यम से आज मैं यूथ कांग्रेस नागपुर ग्रामीण अध्यक्ष पद मुझे मिला है। इसका मैं कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम करके ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे एरिया में लोगों को लड़के जनरेट करके पक्ष में लाना चाहता हूँ। उसके बाद में यूथ कांग्रेस अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहता हूँ ताकि जो आज अपने देश में रंगा बिल्ला की सरकार है वो लोगों को गुमराह करके राजकारण कर रही है, तो वो कहीं तो भी अपने को कम करना है और अपने कांग्रेस पक्ष की विचारधारा ये लोगों तक के पहुंचाने का काम मुझे करना है और मेरे यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे करना है। अभी कोई भी मुद्दा हो जनहित का तो अपने को करना चाहिए, लोगों तक के पहुंचाना चाहिए। और जो भी मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो तो बेरोजगारी के लिए आया टाइम तो मैं बुट्टीबुरी MIDC है या हिंगना MIDC है, यहाँ मैं यूथ के माध्यम से वहाँ धरना आंदोलन भी करने का मेरी तैयारी है। उसके बाद में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं प्रयत्न करूँगा। और इसी के साथ खबर संध्या बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्यपाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स,
महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं? अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल तारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस तारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास दिघोरी नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। हर त्योहार अब होगा खास, क्योंकि अब है सावरकर ज्वेलर्स का साथ। इतनी महंगाई में सोने के भाव आसमां छू रहे हैं, लेकिन सावरकर ज्वेलर्स कम मेकिंग चार्ज में आपको देगा आपके मनपसंद डिजाइन का गोल्ड, वो भी 100% प्योर गोल्ड मार्क के साथ। सावरकर ज्वेलर्स में आपको देखने को मिलेंगे सब तरीके के डिजाइन, मंगलसूत्र से लेकर कान के झुमकों तक, चूड़ियों से लेकर अंगूठी तक। तो बिना किसी देरी के अभी जाइए सावरकर ज्वेलर्स और बुक करिए अपने मनपसंद का सोना। हमारा पता शॉप नंबर 2 मयूर कॉम्प्लेक्स, दत्तवाड़ी, अमरावती रोड, नागपुर। हमारा कॉन्टैक्ट 9822691286 8882231। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत, देखते हैं अगली खबरें। नाइक तालाब परिसर से घातक शस्त्र के साथ एक आरोपी को पाजपावली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से घातक शस्त्र बरामद किया गया। आरोपी का नाम रोहित जीवन पगोटे बताया गया, आगे की जांच जारी है। तारीख 26/11/2023 को हमारी डीबी पथक रात को 12:30 से 1:30 के बीच नाइक तालाब यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उसी परिसर में कोई इसम हाथ में तलवार लेकर धामधूम कर रहा है। ये जानकारी मिलते ही हमारा पुलिस स्टाफ वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर उन्हें एक इसम जो तलवार लेकर धामधूम कर रहा है वो मिला, उसे ताबे में लिया और उसका नाम पूछा तो उसका नाम रोहित जीवन पागोटे, उम्र 24 साल, रहना मराई माता मंदिर के पास नाइक तालाब, ऐसा मालूम हुआ। उसे ताबे में लिया और आरमैक और आईपीसी 135 पुलिस 135 महाराष्ट्र पुलिस कायदा के तहत उस पर कार्रवाई की है। ये जो आरोपी है रोहित जीवन पागोटे, उम्र 24 साल, इसके ऊपर इसके पहले कोई भी गुनाह दाखिल नहीं है और ये कार्रवाई डीबी पार्टी के हेड कांस्टेबल नाना भोगे, नाइक पुलिस कांस्टेबल इमरान, एनपीसी रोमेश, पुलिस कांस्टेबल गगन और राहुल,
इन्होंने की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े नागपुर। घातक शस्त्र के साथ नाइक तालाब परिसर में आतंक मचाने वाले एक आरोपी को पाचपावली पुलिस ने व स्थानीय लोगों ने घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से घातक शस्त्र बरामद किया गया। आरोपी का नाम रोशन उर्फ चरताल मुन्नालाल गुप्ता बताया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। दिनांक 25/11/2023 को पुलिस पथक जो गश्त पे था, उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि नाइक तालाब बांग्लादेश, यहाँ पर एक आरोपी एक इसम हाथ में तलवार लेकर धूमधाम मचा रहा है। ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस का जो स्टाफ था डीबी पथक, वो घटनास्थल पर गया। वहाँ पर उन्हें एक आदमी के हाथ में तलवार मिली और वो धूम मचा रहा था, उसे ताबे में लिया। उससे छानबीन की, उसका नाम रोशन उर्फ चेतन उर्फ केला मुन्नालाल गुप्ता, उम्र 23 साल, रहना मराई माता मंदिर के पास नाइक तालाब। इसे पुलिस स्टेशन में लाकर उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की। इस पर एक इसके पहले 4/25 का ही गुन्ना दाखिल है और ये कार्रवाई जो है ये डीबी पथक के हेड कांस्टेबल नाना भोगे, नाइक पुलिस कांस्टेबल इमरान, एनपीसी रोमेश और पुलिस कांस्टेबल गगन और राहुल, इनके टीम ने यह कार्रवाई की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े नागपुर। संपत्ति कर की बकाया राशि वसूली हेतु जोन क्रमांक 1 लक्ष्मीनगर की वसूली टीम द्वारा वारंट कार्रवाई के तहत 5 बकायेदारों की अचल संपत्तियों को जब्त कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तथा 3 लाख रुपए की वसूली की गई। 3 अचल संपत्तियों को जब्त कर गिरफ्तार किया गया। नागपुर नगर निगम की ओर से हम संपत्ति कर राशि जमा करने वाले संपत्ति मालिक कब्जाधारी को संपत्ति कर राशि में 10-5% की छूट देने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक अधिभोगी और कब्जाधारी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। किनखेड़े लेआउट परिसर में डकैती की तैयारी में बैठे 5 आरोपियों को यशोधरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम सचिन उर्फ अजगर, अशोक कुमार शाहू, शेख सलमान शेख नवाब, साहिल उमेश शेंडे, अर्जुन संजय मिश्रा, अहवाज खान बताया गया, जिनके पास से चोरी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले माल समेत 51,000 का माल जब्त किया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। तारीख 25 नवम्बर के रात को हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू थी पुलिस स्टेशन यशोधरा के अंतर्गत। उस समय हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ आरोपी, जो इसमें से कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर भी है, सीरियस ऑफेंडर है, ये लोग किनखेड़े लेआउट के पास में एक रेल की दीवार है उसके पास में बैठ के ये दरोड़ा डालने की एक प्रयास कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। तो उनके पास में प्राणघातक शस्त्र भी थे। तो ऐसे इंफॉर्मेशन मिली तो विद द हेल्प ऑफ स्टाफ हम वहाँ पे गए, प्रॉपरली हमने उसको एग्जीक्यूट किया और टोटल वहाँ पे 5 लोग थे लेकिन एक एब्सकॉन्डेड है, फरार है। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें हमने ऑफेंस भी रजिस्टर किया है जिसमें क्राइम नंबर 850/23 सेक्शन 399-402 IPC रेड विथ है आर्म एक्ट का 425 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत हमने क्राइम रजिस्टर करके आरोपी को अरेस्ट किया। अभी PCR में है, PCR से भी हम पूछताछ करना जा रही है हमारी। उसमें हमने 4 लोगों को डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, उसमें से सचिन अजगर, अशोक कुमार शाहू जो कोलावसामी नगर चंद्रशेखर प्रजापति इनके घर पे रहते हैं, दूसरा आरोपी शेख सलमान वल शेख नवाब, तीसरा आरोपी है साहिल उमेश शिंदे, चौथा आरोपी है अर्जुन संजय मेश्राम और पांचवा जो आरोपी है अहबाज खान, ये एब्सकॉन्डेड है, ये फरार है, अभी तक हम उसका सर्च कर रहे हैं उसको। इनके पास से हमने लोहे की तलवार, एक चाइनीज चाकू, डंडा, छुरी, पाउडर, दूरी, मोबाइल है 4, ऐसा हमने मुद्देमाल जब्त किया है। देखो ये प्लानिंग कर रहे थे कि पुलिस स्टेशन के एरिया में कहीं इनको दरोड़ा डालकर कुछ बड़ा एक ऑफेंस करने वाले थे वो। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय वेदोड़कर साहब इनको इनके मार्गदर्शन के आधार पर हमारी टीम ने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करके उनको एट द 11th और हमने नैप किया और आगे की कार्रवाई की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े नागपुर।
और इसी के साथ खबर संध्या बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। कहते हैं बुनाई हुए वस्तुओं का कोई तोड़ नहीं होता। जी हाँ, चाहे फिर घर की सजावट की वस्तुएं हो या फिर कोई पहनावा, यदि आपको देश के हर कोने की वस्तुएं या कपड़े खरीदने की चाह रखते हैं, तो नागपुर में आया है हैंडलूम एक्सपो। कम दाम में बेहतर क्वालिटी, जहां आपको मिलेगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं, साथ ही कुर्ता दुपट्टे सूट फैशन ज्वेलरी घर सजावट की वस्तुएं, या बिहार का सिल्क कोसा खादी, लखनऊ का चिकन वर्क, गुजरात की बांधनी, मध्य प्रदेश की माहेश्वरी सिल्क, राजस्थान और कर्नाटक की सिल्क साड़ी, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध साड़ियां समेत सभी राज्यों की प्रसिद्ध साड़ियां मिलने का एकमात्र स्थान अब नागपुर में आया है। जी हाँ, हमारा पता बिशप कॉटन मैदान VCA स्टेडियम के पास सदर नागपुर। 15 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर तक ले सकते हैं इस एग्जीबिशन का लाभ, तो जल्दी कीजिए और पहुंच जाइए इस एग्जीबिशन में। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं अश्विनी, महाराष्ट्र टीवी 24 मध्ये आपले स्वागत। नजर टाकूया महाराष्ट्रातील प्रमुख घडामोडींवर। आज सकाळपासूनच राज्यभरात पावसाला सुरुवात झाली असून छत्रपती संभाजीनगर शहरात विजेच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे। बीडच्या कपिलधारा येथील मन्मथ स्वामी समाधीची शासकीय महापूजा शालेय मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते संपन्न झाली। यावेळी आयोजित जाहीर कार्यक्रमात 5-10 हजार राखीव जागांसाठी महाराष्ट्र पेटवायचा का, असा सवाल मंत्री केसरकर यांनी उपस्थित केला आहे। या निमित्ताने एकच गोष्ट सांगतो की धनुभाऊ, तुम्ही सांगितलं की तुम्ही शंकराचे भक्त आहे, खरंच आज कार्तिकी पौर्णिमा सुद्धा आहे आणि आमचं जे कुलदैवत आहे ते सुद्धा शंकरच आहे, त्याच्यामुळे मला इथून माझ्या जिल्ह्यात गेलं पाहिजे। तिथं आमच्याकडे जत्रा सुरू होतात आजच्या दिवसापासून आणि पहिली जत्रा ही आमच्या कुलदैवताची असते, परंतु दैवताचं पूजन करत असताना आपलं कर्तव्यसुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं असतं आणि म्हणून माझं कर्तव्य आहे की मुख्यमंत्री महोदयांनी असं सांगितलं की आमचे असंख्य वीरशैव लिंगायत समाजाची लोक तिथे येणार, त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये वाईट वाटता का मध्ये, मी जरी आलेलो नसलो तरी माझ्या वतीने तुम्ही तिथे चला, माझ्या सर्व शुभेच्छा त्यांना द्या आणि त्यांना खात्री द्या। केवळ मी मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून येतो आहे असं नाही, आज सकाळी उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहेब, आम्ही सगळे एकत्र होतो, सगळ्यांच्याच भावना या आपल्या समाजाबरोबर आहे, सर्व समाजाचं ऐक्य राहिलं पाहिजे आणि महाराष्ट्र अधिक उंचीवर गेला पाहिजे, ही मी या ठिकाणी मनापासून या ठिकाणी प्रार्थना करतो। कारण आज महाराष्ट्रामध्ये समाजामध्ये विद्वेष भडकवण्याचं काम चालू आहे आणि हे महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही। नोकऱ्या किती असतात, 7-8-10 वर्षानंतर आम्ही 1 लाख लोकांची भरती सुरू केली आमचं सरकार आलं म्हणून। लग्न कार्य व शुभ विवाह करण्यासाठी तुलसी विवाह होण्याची वाट सर्वच नागरिक बघत असतात आणि दिवाळीनंतर तुलसी विवाह लागल्यानंतर शुभ कार्याला सुरुवात होते। आजच्या तरुण पिढीला याविषयी माहिती होण्यासाठी दामोदर आणि तुलसी यांचा विवाह लावला जातो, ही एक जुनी परंपरा आहे। या परंपरेनंतर शुभ कार्य व विवाहाला सुरुवात होते। आजच्या तरुण पिढीजवळ मोबाईल असल्यामुळे इतरांशी संवाद साधायला व भेटीगाठी देण्यासाठी वेळ नाही, त्यामुळे विवाह निमित्ताने सर्व घरातील ज्येष्ठ तरुण व शेजारी एकत्र येऊन हा आनंद विवाह सोहळा पार पडतात। यावेळी हिंदू संस्कृती जोपासली जाते, मंगलाष्टक व नैवेद्य दाखविला जातो, आरतीही केल्या जाते। ही माहिती आजच्या तरुण पिढीला भावी यासाठी हिंदू सणांचे आयोजन आम्ही परिसरात करतो, अशी माहिती उपस्थित नागरिकांनी दिली। आजची जी पूजा झालेली आहे त्याच्यामध्ये दामोदर आणि तुळशी ह्या दोघांचा विवाह असतो, याच्यामध्ये 5 मंगलाष्टक जसे आपण रिअलमध्ये लग्न लावतो त्याच पद्धतीचं असतं, 5 मंगलाष्टके म्हणतात ब्राह्मण लोक आणि त्याच्यानंतर याची बाळकृष्णाची म्हणजे दामोदराची याची पूजा केली जाते आणि मग नंतर विवाह लावला जातो आणि मग नंतर त्याच्यानंतर नैवेद्य वगैरे सगळं दाखवलं जातं।
याचं मूळ कारण म्हणजे जसं तुळशीचा विवाह झाला तर मग त्याच्यानंतर आपल्या घरात कोणाचं लग्न असेल किंवा इतर कोणाचं काही असेल तर ते कार्य सुरू करू शकतो आपण. श्रीकृष्णनगर हडको, आज या इथे आम्ही सगळे गल्लीतले मंडळी फक्त तुलसी विवाह लावण्यासाठी जमलेलो आहे. काय होतंय, हळू काळानुरूप आपल्या जुन्या पद्धती खूप मागे पडत चालल्या. शॉर्टकटचा जमाना आल्यामुळे सगळं थोडक्यात थोडकं, त्यामुळे कोणाला पूर्वीच्या रीतींचं काहीच महत्व उरलेलं नाही. त्यानिमित्ताने आम्ही हे दर कमीत कमी 15-20 वर्ष झाली आमची पूर्ण गल्लीतली मंडळी कधी कधी सामूहिक किंवा कधी कधी वैयक्तिक स्वरूपात आम्ही तुळशीचं लग्न लावत असतो. तुळशीचं लग्न म्हणजे काय की राधा आणि दामोदर यांचं शुभ विवाह. त्या काळाने त्यानिमित्ताने आपल्या पूर्वीच्या पद्धती जपल्या जातात. सगळे लोक एकत्र येतात. दुसरा त्याच्या मागचा उद्देश काही नाही, कारण आपण ज्याला आपल्या घरात राहायला आवडते प्रत्येक घरात चार डोके, पण ह्या निमित्ताने का होणे. आणि आमच्या खास करून मला बाकीच्या भागात माहित नाही, पण आमच्या गल्लीत ह्या गोष्टींसाठी खूप उत्साह आहे. कुठली सार्वजनिक गोष्ट करायची म्हटली की सगळे उत्साहाने एकत्र येतात आणि एकदम छान मिळून मिसळून तो उत्साह किंवा तो सण पार पाडतात. आणि आजही तुम्ही बघाल ह्या उत्सवासाठी खूप इथे गर्दी जमली. सगळे अगदी मनापासून एकमेकांना तयारी करू लागतात आणि सहभागी पण होतात. विवाह आम्ही पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे आपण ब्राह्मणाला बोलवून जसं लावतो वैदिक पद्धतीने, त्यानुसार जसं खरोखरच्या नवरा नवरींना आपण बोलवतो त्याचप्रमाणे कृष्णाचा आणि तुळशीचा हा विवाह आम्ही इथे लावलाय वैदिक पद्धतीने. या मागचं की खरं तर आता तुळशीला आपण कोरोना काळाच्या बघितलं किंवा आजकाल जे आजार बघतोय आपण त्या काळात आता आपलं आयुर्वेदाचं महत्व किंवा वनस्पतींचं महत्व आता आपलं पटायला लागलंय. आणि हळूहळू आपण फेसबुक किंवा हे बघून आपल्याला कळतं की दारासमोर तुळशी ठेवायला हवी किंवा काहीतरी विविध वनस्पती ठेवायला हव्या की ज्याच्यामुळे आपल्याला शुद्ध हवा किंवा वेगवेगळे फायदे होतील. त्यासाठीच आम्ही हा तुळशी विवाहाचा कार्यक्रम दरवर्षी आयोजित करत असतो. की काय लहान मुलांना की ज्यांना आतापर्यंत हे माहिती नव्हतं त्यांना याचं महत्व पुढे आणि पुढच्या पिढीला आपण हा वारसा आपल्याकडून देऊ शकू. खूप छान वाटतं आज आमच्या गल्लीत तुळशी विवाह संपन्न झाला आहे. ह्या निमित्ताने का होईना आम्हाला वेगवेगळ्या सणांबद्दल माहिती भेटते. तुळशी विवाह का लावला जातो, कशासाठी लावला जातो व त्याच्यात काय विविधता असते, त्याच्यात आपण कोणते कोणते देव आरत्या म्हणतो किंवा कशी पूजा केली जाते ह्या निमित्ताने आम्हाला कळतं. किंवा काय काय गोष्टी आपल्या समाजात असतात, आपल्या धार्मिक याच्यात असतात, ह्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला कळल्या जातात. त्यानिमित्ताने का होईना आपल्या घरातले सर्व मंडळी एकत्र येतात, एकमेकांशी बोलतात, संवाद साधतात, ह्या गोष्टीची चर्चा करतात, ती पूजा करतात, आरत्या म्हणतात आणि हे सगळं बघून खूप आनंद वाटतो. एवढंच हो, आज मोबाईल आम्ही आता ही सगळी पिढी आमची मोबाईलच्या जनरेशनची आहे. फेसबुक म्हणा, ट्विटर म्हणा, ह्या सर्व ठिकाणी तर आम्ही बघतोच हे सगळं घडताना. पण वास्तवात बघण्याचं जे काही आनंद असतो किंवा जी काही उत्सुकता असते ती खूप असते आणि वेगवेगळ्या गोष्टी बघायला भेटतात, करायला भेटतात, त्याच्यात सहभाग घ्यायला भेटतो, याचा आम्हाला खूप आनंद वाटतो. लोकसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना आता मुंबई उपनगरात शिवसेना ठाकरे गटाने प्रचाराचे बिगुल फुकले आहे. आज भांडुपमध्ये ईशान्य मुंबईतील कोकणवासियांचा जाहीर मेळावा पार पडला. या मेळाव्याला शिवसेना नेते खासदार विनायक राऊत हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते, तर शिवसेना नेते आदेश बांदेकर, आमदार रमेश कारगावकर आणि अन्य नेते उपस्थित होते. यावेळी ईशान्य मुंबईची जागा ही शिवसेना ठाकरे गट लढेल आणि माजी खासदार संजय पाटील हे उमेदवार असतील अशी घोषणा यावेळी खासदार विनायक राऊत यांनी यावेळी केली. तर शिंदे गटात गेलेले कोकणातील नेते आणि राणे पिता पुत्रांवरही त्यांनी जोरदार टीका केली. तर शिवसेना ठाकरे गट लोकसभेत कोकणात आणि मुंबईत यश मिळवेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ईशान्य मुंबईतील कोकणवासियांचा मेळाव्याचं आयोजन आमचे माजे खासदार आणि भावी खासदार संजय दिनाबा पाटील आणि आमचे आमदार विभाग प्रमुख रमेश कोरगावकर, दुसरे आमचे विभाग प्रमुख सुरेश पाटील, माननीय दत्ता दळवी, माननीय सुनील राऊत आमदार, ह्या सर्वांच्या प्रयत्नातून आज एवढा भव्य दिव्य असा कोकणवासियांचा मेळावा आयोजित केला आहे. पाऊस होता तरीसुद्धा एकही कोकणवासी इथून हटलेला नाही आणि सुरुवातीपासूनच संपूर्ण कोकण आणि बाळासाहेब, कोकण आणि मातोश्री, कोकण आणि उद्धवजी ठाकरे आणि कोकण आणि आदित्यजी ठाकरे यांचं एक जे नातं आहे, पारिवारिक नातं, ह्याच्यामध्ये कुठेही खंड पडलेला नाही, कुठेही कमी झालेलं नाही, हे आजच्या मुंबई ईशान्य मुंबईतील कोकणवासियांच्या मेळाव्याने उपस्थितीने दाखवून दिलेलं आहे. संविधान दिनानिमित्त कल्याणपूर्व संविधान सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी प्रभाग कार्यालय लगेच उभारण्यात येणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकावरून अप्रत्यक्षरित्या शिवसेनेला लक्ष्य केलं. प्रमुख बातम्यांमध्ये वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. बघत रहा महाराष्ट्र TV 24.
गंगोत्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स घेऊन येत आहे एनएटीपी व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेंशियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या प्रत्येक प्लॉट बुकिंग वर 5 निश्चित उपहार कलर एलईडी टीव्ही फ्रिज मायक्रो ओव्हन वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर आमची वैशिष्ट्ये भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार प्रशस्त सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते इलेक्ट्रिक पोल्स स्ट्रीट लाईट पक्क्या नाल्या इलेक्ट्रिक डीपी झाडांसह ट्री गार्ड आकर्षक कंपाऊंड वॉल बोरवेलची व्यवस्था सुंदर बगीचा निर्मिती कॉर्नर पूल आणखी इतर सुविधाएं बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध 100% सुरक्षित गुंतवणूक सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा संपर्क करा आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1,00,000 रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर। संपर्क करें 07122995545 और 9850396080 पर। श्रीराम नगरी फरसान नागपुर स्वाद भरोसे के साथ, जहां आपको मिलेगा समोसा मटर कचौरी चावल ढोकला खमन ढोकला नमकीन के साथ साथ मिठाई वो भी शुद्ध देशी घी की। इस दीपावली श्री राम नगरी फरसान में आपको मिलेगा दीपावली का फराक वो भी शुद्ध तेल और घी से निर्मित। श्री राम नगरी फरसान नाम ही काफी है, तो देर किस बात की, गर्म नाश्ते का मजा लेना है तो आइए महात्मा फुले नगर पांड्रा बोड़ी रोड रामनगर नरेश बुक डेपो के बाजू नागपुर। संपर्क करें 9370494240 पर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काले पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस काले आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास दिघोरी नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। विश्रांतीनंतर आपले स्वागत। त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथील राजाराम बंधारा परिसरात दीपोत्सव साजरा करण्यात आला। दीपोत्सव पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। महोत्सवात सांस्कृतिक कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले होते। सायंकाळच्या सुमारास कसबा बावडा येथील राजाराम बंधारा येथे भारतविद मित्र मंडळातर्फे दीपोत्सव साजरा करण्यात आला। यंदाचे हे 16वे वर्ष आहे। यावेळी कसबा बावडा परिसरातील नागरिक एकत्र येत परिसर सुंदर रांगोळी आणि दिव्यांनी उजळून टाकला। नदीवरील घाट मंदिरे दीपमाळावर दिवे प्रज्वलित करण्यात आले। दीपोत्सव पाहण्यासाठी नदी परिसरात नागरिकांनी फुलून गेला होता। बंधाऱ्यावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती। गेली 16 वर्ष झाले भारतीय मित्र मंडळ कसबा बावडा या पंचगंगा घाटावरती दीपोत्सव साजरा करत आहे।
एक 10 ते 11 हजार दिव्यांचा हा कार्यक्रम असतो. बावड्यातील सगळे इच्छुक रांगोळी जे असते ते सगळे प्रत्येक नाव आपली रांगोळी काढत असते. मंडळाच्या वतीने त्यांना रांगोळी देण्यात येते आणि जवळजवळ 10 ते 15 हजार महिलांचा इथे सहभाग असतो. भारतीय निमित्त मंडळ पूर्ण ताकदीने मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम आयोजन करत असते. अमरावतीच्या स्थानिक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात 26 नोव्हेंबर संविधान दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला राजकीय सामाजिक क्षेत्रासह विविध क्षेत्रातील गणमान्य नागरिकांनी अभिवादन करून त्यांच्या संविधान सभेतील कार्याचा गौरव केला. संपूर्ण दिवसभर नागरिकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात अभिवादनासाठी रांगा लावल्या होत्या. तर रात्री फ्रेझरपुरा येथील नवयुवक मंडळाच्या वतीने मोठी रॅली काढून संविधान सन्मान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी हजारोंच्या संख्येने नागरिक या संविधान सन्मान रॅली मध्ये सहभागी झाले होते. रॅली मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या प्रतिमा सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत होत्या. डीजेच्या तालावर संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा गौरव करणाऱ्या तसेच अन्य गीतावर तरुणाईने ताल देखील धरला होता. महाराष्ट्र पुरोगामी विचाराचा त्याच महाराष्ट्रामध्ये समाजाचं राजकारण सुरू आहे. राजकारणासाठी त्याचा उपयोग न करता ज्या समाजाची मागासलेली लोक आहेत यासाठी दोन्ही उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री हे सरकार प्रयत्नशील आहे असे केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील म्हणाले. पवार साहेब हे एका पक्षाचे नेते आहेत, त्यांना त्यांच्या पक्षाची चिंता देणं असणार, त्याच्यामुळे ते का फिरतात किंवा त्यांच्या फिरण्याकडे मी कसा बघतो ह्याचं उत्तर काय देणार. आता मी माझ्या मतदारसंघात दररोजच फिरतो. काही शक्ती प्रदर्शनाने होणार नाही. या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ही जी महायुती आहे ही मजबूत आहे. कोणाच्या येण्याने काही होणार नाही याच्यामध्ये काहीतरी मात्र शंका नाही. आणि आमचे जे नेते आहेत आदरणीय मोदीजी, या मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आपण सगळे बघता, या निवडणुका अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या आहेत पण लोकसभेचे पण सर्व येऊन गेले. तर बी जे पीचे एकट्याचे 290 जागा येतात अशा प्रकारचा सर्वे आला. त्यानंतर NDAचे मिळून जवळजवळ 350 जागा यायला लागल्या. त्यामुळे या देशामध्ये बाणगंगा येथे पारंपरिक पद्धतीने महाआरती पार पडली. आरतीसाठी मोठ्या संख्येने भक्तांची गर्दी झालेली पाहायला मिळाली. आराध्य ढोलताशा पथक यांनी पहिली सलामी देत महाआरतीचा शुभारंभ केला. हजारोहून अधिक दिवे प्रज्वलित करून आरती पार पडली. मुसळधार पाऊस सुरू असताना देखील आरतीला सर्वांनी उपस्थिती कायम ठेवली. 26 नोव्हेंबर भारतीय संविधान दिनानिमित्त प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या तर्फे सत्यपाल महाराज यांचे शिष्य राष्ट्रीय समाज प्रबोधनकार सप्तखंजिरी वादक कुमारी क्रांती काळे यांचा समाज प्रबोधनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे आमदार बच्चू कडू यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यासोबतच 100 संविधानाच्या प्रती तसेच भरतीपूर्व अभ्यास करण्याकरिता तात्याचा ठोकळा या 100 पुस्तकांचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात आले. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांनी संविधान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. आमच्या कोळी गावातील ग्रामस्थांनी गेली 25 वर्ष अथक परिश्रम करून जंगलाचं संरक्षण केलेलं आहे. याच जंगलातनं स्टरलाईटची विद्युत वाहिन्या जात आहेत आणि त्यांच्यासाठी जे मनोरे उभारले गेले आहेत त्या मनोऱ्यांसाठी आणि विद्युत वाहिन्यांसाठी झाडांची जवळपास 4,500 झाडं तुटणार आहेत. या झाडांची झाडं तुटणार असल्यामुळे ग्रामस्थ हतबल झालेले आहेत. प्रमुख बातम्यांमध्ये वेळ झाली आहे, इथेच थांबण्याची. बघत रहा महाराष्ट्र TV24. ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन भी है डीप स्लीप के लिए. लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा. स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस. अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा. इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं. दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती है. साइंटिफिकली बैक, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री. स्ट्रेस फ्री मैट्रेस, रेस्ट योर बॉडी एंड सोल. अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नियर यू. फॉर बिजनेस इंक्वायरीज प्लीज कॉन्टैक्ट.
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं खुशबू परियानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। देश भर में गुरु नानक जयंती बहुत ही शौक से मनाई जा रही है, वैसे ही उपराजधानी नागपुर में भी गुरु नानक जयंती की उतनी ही धूम मची पड़ी है। इस समय मौजूद है जेरी पटका इलाके में और यहाँ पे जो है शोभा यात्रा का जुलूस निकाला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरी शोभा यात्रा निकाली गई है वाहेगुरु जी के नाम पे, गुरु नानक जयंती के लिए यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई है। और आप देख सकते हैं ये पूरी शोभा यात्रा 1 से 8 बजे तक पूरे जेरी पटका इलाके में घूमने वाली है, जो कि हर इलाके में जाने वाली है शोभा यात्रा, और यहाँ से फिर वो गड्डी गोदाम के गुरुद्वारे में जाने वाली है शोभा यात्रा, जो पूरे जेरी पटका इलाके में घूमने वाली है। अब वो निकाली क्यों जाती है, ये जानते हैं यहाँ पे हमारे अंकल से कि क्यों निकाली जाती है शोभा यात्रा। जी, शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? ये गुरु नानक देव का जन्मदिन है, हर आदमी को गुरु नानक देव जी को मानना चाहिए, इसलिए शोभा यात्रा निकालते, घर घर में प्रचार होना चाहिए, हर हर घर में जाना चाहिए, गुरु नानक का नाम लेना चाहिए, गुरु जप साहब पढ़ना चाहिए, सब गुरु नानक देव जी ने बोल के गए। जी, और अगर हम गुरु नानक जयंती की खास तैयारियों की बात करें तो क्या क्या तैयारियां जेरी पटका इलाके में की गई है गुरु नानक जयंती के लिए? सब जगह गेट है, प्रसाद बांटे जा रहे हैं, गेट लगाए गए हैं, सब जने सेवा हार पहना रहे, सब कुछ कर रहे, जो आता है सेवा करता है। श्री गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक हैं, उन्होंने सिख पंथ को जो कर्म कांड थे उनसे बचाकर कलयुगी जीवों को परमात्मा के नाम से जोड़ा है। आज उनकी 544वीं जयंती है। हमारा कलगीधर सत्संग मंडल पिछले 54 साल से जरी पटका में, आज से 54 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी गुरु नानक जयंती, तब से हम रेगुलरली मनाते आ रहे हैं। और गुरु नानक जयंती के शुरुआत में जब हम यहाँ कलगीधर सत्संग में स्थापना की थी तब सिर्फ 13 लोगों से एक प्रभात फेरी स्टार्ट हुई थी, अब आप विशाल इसका दृश्य देख रहे हैं। और गुरु नानक देव जी ने सभी को मानस की जात सभी एक ही पहचान, वो मानस की जात यानी पूरे जो संसार में इंसान है सबकी जात एक ही है, कोई धर्म अलग नहीं है, कोई नहीं है, सबका संदेश दिया है, सबको मिलजुल के अपनी कमाई करो, उसमें से लोगों की सेवा करो और उसमें से मिल बांट के खाओ, ये संदेश गुरु नानक ने दिया है। यही संदेश फैलाने के लिए कलगीधर सत्संग मंडल गुरु नानक देव जी के जयंती में उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालता है। और ये जो शोभा यात्रा यहाँ निकल रही है जेरी पटका इलाके में, वो कौन से और इलाकों में जाने वाली है? जेरी पटका के बाद यहाँ से जाएगी इंदौरा चौक, कड़बी चौक, मेकोसा चौक, फिर वापस वहाँ से जेरी पटका आके मंडल में समापन होगा 8 बजे आज शाम को। ऐसे ही देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24, कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं खुशबू परियानी। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर खरबी रिंग रोड नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मी आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 च्या प्रादेशिक सुपर फास्ट बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। नजर टाकूया राज्यभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर।
दंगल घडवणाऱ्यांवर आता कारवाई केली जाणार आहे. दंगली घडवण्याचं काम जाणीवपूर्वक केलं जात आहे. राज्यात दंगली घडवून सरकार कसं बदनाम होईल आणि राज्य सरकार कसं बदनाम होईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्य सूत्रधार दंगल करायला लावणारे लोक आहेत, त्या दंगल घडवायला लावली याच्या मागे कठोर कारवाई व्हावी अशी सरकारला विनंती संजय शिरसाट यांनी केली. छत्रपती संभाजी नगर शहरामध्ये आज पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. यावेळी रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे वाहन चालकांना वाहन चालवताना कसरत करावी लागते. काही जिल्ह्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे तर काही जिल्ह्यामध्ये अवकाळीनं नुकसान झालंय. राज्यातील शेतकरी अडचणीत आहेत. संवेदनशील सरकारनं कामाला लागलं पाहिजे. प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावा आणि जास्तीत जास्त निधी केंद्र सरकारनं राज्याला देऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी ही आमची मागणी. हा विषय मी ताकदीनं लोकसभेत मांडेल असं वक्तव्य सुप्रिया सुळे यांनी केलंय. मला पॉलिसी पॅरालिसिसचं आणखीन एक उदाहरण. या सरकारमध्ये कोऑर्डिनेशन नाही. जे मी गेले 2 महिने तुमच्या सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्समधून बोलते, तुम्हीच माझा इंटरव्ह्यू दोघांनी किती वेळा घेतला आहे ज्याच्यात मी म्हणले की नाही, पॉलिसी पॅरालिसिस आणि मिसकम्युनिकेशन. आता भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे सरकार आणि अजित पवार गट यांचं सरकार आहे की नाही, यांचा कॉन्फ्लिक्ट कुणामध्ये? अजित पवार गट आणि शिंदे सेना. शिंदेंची जी सेना आहे आणि अजित पवारांचा जो गट आहे त्यांच्यातच मिसकॉर्डिनेशन आहे ना या ग्रस्ताबद्दल? तर याचं उत्तर मी कसं देणार? जे सरकारमध्ये आहेत त्यांच्याचाच सावळा गोंधळ चालला आहे. त्याच्यामुळे आता आम्ही बिचारे काय करणार? आम्ही आपलं लांबून हे सगळं गडबड बघतो आहे. आणि दुर्दैव एका गोष्टीचं आहे की कॉन्फ्लिक्ट आणि मिसमॅनेजमेंट आणि पॉलिसी पॅरालिसिस या ट्रिपल इंजिन सरकारमध्येच आहे. 200 आमदार आहेत त्यांच्याकडे. त्यांनी दुष्काळ आणि आजची जी गारपीट झालेली आहे, जे नुकसान शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्याच्याऐवजी या सरकारमधलेच 2 गट एकामेकाशी भांडतायत. ताई ह्याला जोडून असा प्रश्न, संजय राऊत असं म्हणतायत, संजय राऊत असं म्हणतायत की जालन्याच्या गेस्ट हाऊस मध्ये हा सगळा प्लान कोणाच्या प्रश्न? संजय राऊत काही ते ह्याला जोडूनच प्रश्न आहे की संजय राऊत असं म्हणतायत की अंतसराटीमध्ये जो जालन्याचा प्रकार घडला तो गेस्ट हाऊस मधून बसून हा सगळा प्रकार आहे तो कट रचण्यात आला होता राष्ट्रवादीकडून. राष्ट्रवादीकडून म्हणजे राष्ट्रवादीच्या कडून हा सगळा कट रचण्यात आला होता. संजय राऊत आमच्याबद्दल बोलले असं शक्यच नाही. राष्ट्रवादी इम्पॉसिबल. आता संजय राऊत असं कधीच म्हणणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेटवर नियंत्रण नाही, त्यांचेच मंत्री त्यांची ऐकत नाही. सर्व पक्ष वेगवेगळे बोलतात. केंद्राची राज्याची तुमच्या हातामध्ये सत्ता आहे, परंतु अशा पद्धतीनं समाजात तेढ निर्माण करण्याचं भारतीय जनता पार्टीचा उद्देश आहे. म्हणून ते जाती जातीमध्ये भांडण लावण्याचं काम देशात करतायत आणि महाराष्ट्रात करतायत असं वक्तव्य अंबादास दानवे यांनी केलंय. लाठीमार कोणी करायला सांगितलं होता? मराठा समाजाचं आंदोलन चालू असतं ना, त्याच्यावर लाठीमार कोणी केला? पोलिसांनी गोळ्या कोणी मारल्या? याचं उत्तर काय येत नाही अजून. त्याचं समर्थन कोण करतं? संजय शिरसाट ज्या पक्षाचे त्याच पक्षाचे मंत्री मुख्यमंत्र्याला पत्र देतात. नाम करण्याचा प्रयत्न आपण केला जातो. बघा ना, तुमचेच लोक आहेत. कोण आहे तिथं आजोबाला? हे आंदोलन अशा पद्धतीनं जातीयवादाचं बीज रोवण्याचं काम तर भारतीय जनता पार्टी करते. बघा भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे फडणवीस साहेबांच्या रोजचे स्टेटमेंट बघा. अशा पद्धतीनं आज तुमच्या सरकारमधले मंत्री बोलतात, छगन भुजबळ म्हणतात, रक्ताचे पाठ वाहतील, हे वाहतील, हे वाहतील, याचं समर्थन करता तुम्ही आणि मराठा समाजाला बदनाम करता. 4 लोक असतील फोटो सगळ्याबरोबर काढत असतात अशा लोक म्हणतात ते काय उपाट. गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन येत आहे NATP व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट. रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध. उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट. फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या. प्रत्येक प्लॉट बुकिंग वर 5 निश्चित उपहार, कलर LED TV, फ्रीज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर. आमची वैशिष्ट्ये भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक DP, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाए. बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध. 100% सुरक्षित गुंतवणूक. सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा. संपर्क करा. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना,
जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1,00,000 रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झेंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर। संपर्क करें 07122995545 और 9850396080 पर। श्रीराम नगरी फरसान नागपुर, स्वाद भरोसे के साथ, जहां आपको मिलेगा समोसा, मटर कचौरी, चावल ढोकला, खमन ढोकला, नमकीन के साथ साथ मिठाई, वो भी शुद्ध देशी घी की। इस दीपावली श्रीराम नगरी फरसान में आपको मिलेगा दीपावली का फरा, वो भी शुद्ध तेल और घी से निर्मित। श्रीराम नगरी फरसान नाम ही काफी है, तो देर किस बात की। गरम नाश्ते का मजा लेना है तो आइए महात्मा फुले नगर, पांड्रा बोड़ी रोड, रामनगर, नरेश बुक डेपो के बाजू, नागपुर। संपर्क करें 9370494240 पर। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काले पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस काले आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। बीडमध्ये जाडपोळ आणि हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी पप्पू शिंदे यांचे फोटो पाहून आता भाजप नेत्यांनी सांगावं की बीडच्या हिंसाचाराचा कुणाचा हात आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा। ऋषिकेश वेद्रे बरोबरचे फोटो ट्विट करून शरद पवार यांचं नाव खराब करण्याचा काम विरोधक करतायत असा आरोप मेहबूब शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष युवक अध्यक्ष शरद पवार गट यांनी केलाय। हवामान विभागाने दर्शविलेल्या अंदाजानुसार काल संपूर्ण राज्याला अवकाळी पाऊस झाला। या पावसामुळे रब्बी पिकाचं मोठं नुकसान झालंय। तर हिंगोली जिल्ह्यातील 5 जिल्ह्यात आणि तालुक्यात काल मध्यरात्रीपासून विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारा आणि गारांसह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली। यामुळे अनेक भागातील विद्युत पुरवठा देखील खंडित झाला। तर सगळीकडे पडत असलेल्या मुसळधार अवकाळी पावसानं रब्बी पिकाचं मोठं नुकसान झालंय। विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे शहरातील कर्णपुरा येथील भवानी मातेच्या मंदिरात सपत्निक जाऊन देवीचे दर्शन त्यांनी घेतलंय। आपल्या मुलाच्या लग्नाची पत्रिका देखील देवापुढे ठेवली। यावेळी त्यांनी मंदिराची पाहणी देखील केली। प्रदूषण मुक्त आणि शाश्वत शहरांच्या निर्मितीसाठी आज कचऱ्यावर प्रक्रिया करीत मूल्य निर्मितीची गरज आहे। यासाठी सर्क्युलर इकॉनॉमी हे उत्तम उदाहरण आहे। महानगरपालिकेच्या एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलाय। राज्यात विविध ठिकाणी सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्कची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले। केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज नागपूर महानगरपालिकेच्या एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले। याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री बोलत होते। आणि यासह प्रादेशिक सुपरफास्ट बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। इतर बातमीपत्रांसाठी बघत राहा महाराष्ट्र TV24। नमस्कार। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
जागतिक बवासीर दिन के उपलक्ष्य में अभ्युदय पायल्स हॉस्पिटल में 20 नवंबर से 30 नवंबर तक लेजर उपचार में पाए 50% तक की छूट। अभी विजिट करिए अभ्युदय पायल्स हॉस्पिटल जो है लोहार समाज भवन के पीछे शताब्दी चौक मनीष नगर रोड नागपुर। ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। पांच आरोपियों का डकैती का प्लान फंस गया। नई कामठी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर दौरान छापामार कार्रवाई को अंजाम देकर यूनिट 5 की टीम ने 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि 5 आरोपी डकैती की तैयारी में बैठे थे। यूनिट 5 की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर उनके पास से कुल 15,44,000 का माल बरामद किया। आरोपियों के नाम इरशाद अली वल्द अली, बद्दीस चौधरी वल्द इद्रिस चौधरी, विनोद राजमन गौतम, मोहम्मद शरीफ वल्द नसरम अली इद्रिस और फरियाद चौधरी वल्द अजगर अली चौधरी बताए गए। आगे की जांच जारी है। शनिवार तारीख 25 नवंबर को माननीय पुलिस आयुक्त साहब के आदेश से कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे शहर में शुरू गया था। रात 8 बजे से 1 बजे तक रात को, उसी दरमियान हमारी पेट्रोलिंग टीम कामठी एरिया में थी और कामठी एरिया का जो आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ कुछ गतिविधियाँ जैसे जानवर है या और कोई कार्रवाई है, इस हिसाब से हम लोग वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे ये 5 लोग गाड़ी और सामान के साथ हमको मिले, तो उसके ऊपर से उनके ऊपर कार्रवाई की हमने। इनके नाम 5 आरोपी टोटल, इरशाद अली, नौशाद अली, बद्रुद्दीन चौधरी, विनोद गौतम, मोहम्मद शरीफ और फरियाद चौधरी, ये सभी यूपी के रहने वाले हैं। और इनके पास हमको एक मारुति की स्विफ्ट कार
और ये बोलेरो पिकअप, बाकी जो सामान है चाकू दोरी मिर्ची पाउडर, और मेनली जो हाई टेंशन लाइन या बड़ी बड़ी केबल्स जो रहती है उनको काटने के लिए जो कटर्स लगते हैं, ये कटर्स, ये सामान हमको उनके पास से मिला है। कार्रवाई में यूनिट के सभी अधिकारी कर्मचारी थे क्योंकि सबको उस दिन बाहर पड़ने के आदेश थे। पूरा मुद्देमाल ये 15,44,000 का समथिंग है ये, और कामठी को ये हमारी कार्रवाई होने के बाद सभी आरोपी और मुद्देमाल नए कामठी थाने में हमने दिया है। और जैसे आज जानकारी प्राप्त हुई, 2 दिन के PCR पे आरोपी को उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र TV24 के लिए कैमरामैन अविनाश तोतड़े के साथ आचल लोखंडे, नागपुर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर। आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल FDR पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा। आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1,00,000 रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति। इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज। साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ। हमारा पता झंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर। संपर्क करें 07122995545 और 9850396080 पर। शहर में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आतंक मचाने वाले 31 साल के कुख्यात आरोपी विशाल विजय मेश्राम पर NDPS का अपराध दाखिल था और वो काफी दिनों से फरार था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पाचपौली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वह नागपुर के आसपास ही छुपकर रहता था, जिसके पास से गाड़ी, मोबाइल आदि माल भी बरामद किया गया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। पाचपौली पुलिस स्टेशन में आरोपी विशाल विजय मेश्राम, उम्र 31 साल, रहना बापूकुटी नगर, बाड़ाभाऊ पेठ, पाचपावली, इस पर 6 महीने में एक NDPS का गुन्हा दाखिल है और इस NDPS के गुन्हे से वो जब से दाखिल है तब से वो फरार है। और वैसे भी विशाल विजय मेश्राम पर पाचपावली पुलिस स्टेशन, इमामवाड़ा, लकड़गंज, गिट्टी गदान तहसील और बूटीबोरी पुलिस स्टेशन में बहुत सारे गुन्हे दाखिल है, इसलिए ये पुलिस को बहुत दिनों से इसको अरेस्ट करने की ज़रूरत थी। तो दिनांक 26/11/23 को पुलिस को जैसे खबर मिली कि विशाल मिश्रा में टेका परिसर में आया है, तो वैसे ही पुलिस के DB पथक वहाँ पर रवाना हुआ और DB पथक ने विशाल मिश्राम को वहाँ पर ढूंढा, उसको ताबे में लिया। तभी उसके पास एक तलवार मिली और उसके कब्जे में एक वेन्यू कार थी, वेन्यू कार और तलवार लेकर पुलिस स्टेशन में आकर उसके खिलाफ एक गुन्हा दाखिल किया। ये जो है विशाल विजय मेश्राम, ये नागपुर के इर्द गिर्द में रहता था, उसका रेसिडेंस बाड़ाभाऊ पेठ है पर वो घर पे कभी मिल नहीं रहा था। बहुत बार हमारी DB पार्टी गई उसको ढूंढा पर नागपुर के आजू बाजू में वो रहता था। और ये जो कामगिरी है ये हमारे पाचपौली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री वैभव जाधव, इनके मार्गदर्शन में हेड कांस्टेबल नाना भोगे, नाइक पुलिस इमरान, नाइक पुलिस रोमेश और पुलिस कांस्टेबल गगन राहुल और DB पथक के उनके सहयोगियों ने की। महाराष्ट्र TV24 के लिए कैमरामैन अविनाश तोतड़े के साथ आचल लोखंडे, नागपुर। रामदूत इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं खास आपके लिए शिव तीर्थ नगरी 4, जो है वर्धा रोड जामदा स्टेडियम सहारा सिटी के पीछे। NMRDA विद RL प्लॉट्स, RM एमिनिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज एंड सीवेज, एंट्रेंस गेट, इलेक्ट्रिसिटी, SDVC रोड, ओपन स्पेस, बैंक लोन आल्सो अवेलेबल, 90% बैंक लोन फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक। फॉर मोर डिटेल्स कॉल मिस्टर राम गुप्ता 9689773228
Our office address, plot number 12, second floor, Amar Jyoti Nagar, Belterodi Road, near Mandra Showroom, Nagpur. नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, मास्टर टीवी 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, नागपुर में एग्रोविजन एक्सीबिशन बहुत जोर शोर से चल रहा है। यहां पे जो किसान हैं, इनके लिए यहां पे एक से एक बाहर से प्रोडक्ट आई हुई है। ट्रैक्टर से बोलिए, इनकी जो टूल्स होती है, मशीन्स होती है, वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आई हुई है। तो यहाँ के कुछ जो किसान हैं, इनसे हम यहाँ पूछते हैं कि यहाँ का जो एग्जीबिशन लगा वो कैसा चल रहा है। सर, तो यहाँ का जो एग्जीबिशन चल रहा है वो कैसा लग रहा है? अच्छा चल रहा है? और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो कैसा लग रहा है? नमस्कार सर, माझं नाव शिशुपाल गोपीचंद पटोळे आहे। मी भंडाऱ्यावरनं आलेलो आहे इथे, आणि 2-3 दिवसापासून हा एक्झिबिशनचा कार्यक्रम चालू आहे इथे। आणि नवनवीन असे शेतीविषयक उपक्रम इथे दाखवले जातात आणि खूप चांगलं काम आहे। मी धन्यवाद मानतो गडकरी साहेबांचा। नमस्कार, मैं आनंद जाजोदिया। एग्रोविजन एग्जिबिशन जो हर साल यहाँ पे नागपुर में होती है, बहुत बढ़िया एग्जिबिशन हो रही है। उसमें हमने स्टॉल लगाया कृषि क्रांति केंद्र, एक्सली एग्रो इंडस्ट्रीज और कृषि क्रांति ट्रैक्टर्स की तरफ से। हमने एक्सल इंडस्ट्रीज इस साल नया वेंचर शुरू किया हुआ है, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इस प्रोडक्ट रेंज का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। उसके करीबन 60 के ऊपर प्रोडक्ट हैं, जो काफ़ी गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छे प्रकार से उसका रिजल्ट आ रहे हैं और किसानों ने अच्छा उसको पसंद किया है। हम कृषि क्रांति के ट्रैक्टर्स में सीडलिंग ट्रे का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके अलावा लैंडस्केप गार्डनिंग का काम करते हैं और कोकोपीट, कृषि पीट, इनका प्रोडक्शन करते हैं। हमारे पास कृषि क्रांति के अंदर जो 50 साल पुरानी संस्था है, जिसमें खेती से और बागवानी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है, जिसमें हमको डिज़ाइन पेटेंट मिला है, सुमन लॉन मोर, जो 3 महीने की सेटिस्फैक्ट्री गारंटी और 1 साल की वारंटी से आता है, के साथ आता है और काफ़ी पसंद किया जाता है। पिछले 10 साल से 8 साल से लोगों ने काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया है। हमारा एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो है रोज़ मिक्स। 40 साल से कृषि क्रांति के अंदर के ट्रेडमार्क के अंतर्गत बेचने वाला एक मेवा मैन्युफैक्चरर है रोज़ मिक्स के। बाकी सारे जो मार्केट में मिलते हैं वो डुप्लीकेट है। रोज़ मिक्स ये जड़ों के लिए अच्छा काम करता है, फूलों के लिए अच्छा काम करता है, ब्रांचिंग के लिए अच्छा काम करता है, फ्लावरिंग के लिए अच्छा काम करता है। आप इसको सभी प्रकार के झाड़ों में, शो के झाड़ों, फल के झाड़ों, सब्जी के झाड़ों, गुलाब के झाड़ों, किसी भी प्रकार के झाड़ों, उसमें आप इसको अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो आपको इसको रूटिंग के लिए दे, अच्छे जड़ के लिए दे सकते हैं। शुरू में जब आप पौधा नया लगा रहे उस समय दे सकते हैं, अच्छी ब्रांचिंग के लिए जा सकते हैं, अच्छे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए दिया जा सकता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एग्रोविजन एग्जीबिशन का। हमने इस साल फैल्कॉन इंडस्ट्रीज का स्टॉल यहाँ पे लगाया है। फैल्कॉन इंडस्ट्री का स्टॉल नागपुर में पहली बार या मध्य भारत में पहली बार लगा है यहाँ पे। ये फैल्कॉन इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, खेती बागवानी के औजार बनाने वाली भारत की नंबर वन कंपनी है। इससे अच्छे औजार कहीं पे भी, किसी के भी भारत में बनते नहीं और आते नहीं हैं। इस औजार की पूरी रेंज आपको इस एग्जीबिशन में देखने मिली है और आगे आपको कृषि क्रांति केंद्र में देखने मिलेंगे। कृषि क्रांति केंद्र इनके मध्य भारत के डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं। ये सारे काम मध्य भारत में कृषि क्रांति केंद्र के माध्यम से करते हैं। इस प्रोडक्ट की अधिक जानकारी आपको कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव अखिलेश श्रीवास्तव जी देंगे। हाँ जी, नमस्ते, मैं अखिलेश श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैनेजर हूँ। 35 साल पुरानी हमारी फाल्कन गार्डन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लुधियाना पंजाब में स्थित है। मैं इसमें कार्यरत हूँ, 15 साल हो गए हैं मुझे इस कंपनी के कार्य में। भारत में ये नंबर वन कंपनी है, बागवानी यंत्र आते हैं इसमें, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट एट्सेट्रा सभी कुछ आते हैं इसमें। और इस कंपनी के माध्यम से ही किसानों को जहाँ जहाँ लेबर की समस्या आ रही है, इन यंत्रों को यूज़ करके ही फ़ायदा उठाया जा रहा है।
और गवर्नमेंट हमारी जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं वो खुद बोलते हैं कि हम चाइना को प्रमोट ना करें, लोकल वोकल को ही चलाएं, तो इसके माध्यम से हम अपने स्वदेशी यंत्रों का ही प्रचार प्रसार करके किसानों को वितरित कर रहे हैं। और भी किसानों से आइए बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका क्या कहना है। तो हम यहाँ पे आज एग्रो विजन में आए हैं, तो ये जो एग्रो विजन हर साल यहाँ पे लिया जाता है ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे किसानों को नए नए आइडिया आती है और नई नई फसल कैसी ली जाती है इसके बारे में भी किसानों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो जो भी गवर्नमेंट है इनके हम शुक्रगुजार हैं कि किसानों के लिए इतना अच्छा अवसर वो प्रदान कर रही है, और ऐसे अगर हर साल लेते रही तो किसानों में अच्छी जागरूकता आएगी और किसान अच्छी तरह से अपनी आमदनी कवर कर सकेगा। तो इतना ही मैं बोलूँगा, और जो भी किसान है वो इस एग्रोविजन से कुछ फायदा उठा के अपने जिंदगी अच्छी तरह से बसर करेंगे, ऐसी मैं किसानों से गुजारिश करूंगा। आइए और भी कुछ किसानों से बात करते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में। तो जी सर नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर सचिन भास्कर और हमारा जो यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है वो स्टॉल है चंदन खेती के बारे में। तो अभी देश का किसान जो है वो अलग अलग तकलीफों से गुजर रहा है। रिविन वेंचर इंडिया ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है जिससे जो छोटा किसान है जिसके पास सिर्फ आधा एकड़ एक एकड़ डेढ़ एकड़ दो एकड़ खेती है उसने भी अगर चंदन का खेती किया तो वो छोटा किसान जो है वो सिर्फ 20 चंदन का पेड़ लगा के आने वाले 3 साल से वो हर पेड़ से 20 पेड़ से जो है वो 18,000 कमा सकता है, और वो छोटा किसान जो है वो 15 साल में 20 पेड़ से 45 लाख रुपए कमा सकता है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो रिवर वेंचर इंडिया ने शुरू किया हुआ है, और रिवर वेंचर इंडिया जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी 25 छोटी छोटी नर्सरीज लगाई है। अभी रिसेंटली ये आने वाले 3 से 4 साल में पूरे देश के अंदर जो है वो रिवर वेंचर इंडिया किसानों को, छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर चंदन खेती का काम से जोड़ के छोटे किसानों को बड़ा बनाने का कंपनी ने सोचा है, और इस मिशन पे कंपनी जो है वो हर रोज काम करती है। तो मैं सभी किसान लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप किसान से अगर अमीर बनना चाहते हो बहुत कम समय में बहुत इन्वेस्टमेंट से, छोटे इन्वेस्टमेंट से अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको चंदन का खेती जो है वो करना चाहिए। देश के अंदर जो है 2 प्रकार के चंदन है, और आपको आपने जो अगर सफ़ेद चंदन का खेती किया तो बहुत कम समय में बहुत कम जमीन में बहुत कम निवेश में आप अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और 1 एकड़ में अगर किसी ने चंदन का खेती किया तो आने वाले 3 साल से वो 3,60,000 रुपये कमाएगा, और 15 साल में वो 10 करोड़ रुपये कमाएगा। इतना ही मैं किसानों को कहना चाहता हूँ, तो रिविन वेंचर इंडिया से संपर्क करिए। नमस्ते, मेरा नाम अंकुश दिवे है, हमारा कारंजा तालुका वर्धा जिला में सुचारा फॉडर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। हमने एक FPO तैयार की है, हमारे 800 किसान भाई है जो हमारे शेयर होल्डर्स है, हमने मिलकर हरे चारे का उत्पाद लिया है। 100 एकड़ में हमने मक्का और ज्वार का सोइंग किया है, जिसमें हम लोग 90 दिन होने के बाद किसानों से वो 2000 रुपये टन से मक्का और ज्वार काटेंगे, और उसका हार्वेस्टिंग करके हमारे साइलेज मशीन में उसके बेल्स बनाएंगे। साइलेज एक क्या रहता है, साइलेज मतलब हरी घास को हवा बंद करके अपन टाइट कर पैकिंग करते हैं, वो पैकिंग करने से वो साल भर तक हरा चारा टिका रहता है और वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से अच्छा रहता है। हमारा मदर डेयरी और NDDB के सहायता से ये FPO तैयार हुआ है। विदर्भ के हर जिले में हम लोग गांव-गांव तक किसानों को ये हरा चारा साइलेज के रूप में साल भर उपलब्ध करा के देने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके यहाँ के किसानों का रिएक्शन है कि यहाँ यह बहुत ही अच्छा किया जा रहा है नितिन गडकरी साहब के द्वारा, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है, इतना अच्छा एग्जीबिशन नागपुर में किया जा रहा है। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मास्टर TV 24, कैमरामैन कुणाल के साथ में अभिषेक दुबे। दिस वीडियो इज को स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र TV 24 के खबर संध्या बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यूपी बिहार की सीमा पर स्थित बलुआ अफगान के गंडक नदी घाट पर आज हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। रात 2 बजे ही स्नान शुरू हो गया जो दोपहर 2 बजे तक चला। इस दौरान यहां पर चल रहे रुद्राभिषेक हवन कुंड की प्रदक्षिणा करने का सौभाग्य भी यहां के श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर लगे मेले का आनंद भी श्रद्धालुओं ने उठाया। मान्यता है कि भगवान शंकर ने आज ही के दिन त्रिपुरासुर राक्षस का
वध किया था। इसी प्रकार भगवान विष्णु का प्रथम मत्स्य अवतार आज ही के दिन हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान कर दान पुण्य करने और नदी किनारे दीपक जलाने से पापों का शमन होकर कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में सभी नदियों में श्रद्धालुओं ने आशा की डुबकी लगाई। आइए देखते हैं यूपी बिहार के सीमा पर गंडक नदी किनारे बलुआ अफगान बुढ़वा बाबा घाट पर हुए इस पवित्र स्नान प्रदक्षिणा और मेले का नजारा हमारे संवाददाता नारद प्रसाद ठाकुर के साथ। गोंदिया के स्थानीय रामनगर थाना क्षेत्र कुडवा चौक के समीप सूत्रों के अनुसार रात्रि 2 बजे के करीब संकेत अजय बोरकर उम्र 19 साल तथा आदर्श भगत उम्र 20 साल अपनी गाड़ी से कुडवा पहुंच रहे थे। दोनों दोस्त प्रज्वल मेश्राम 21 वर्ष के साथ घरगुती वाद हुआ, जिसके चलते संकेत का वही झगड़ा होकर प्रज्वल मेश्राम की हत्या करने की जानकारी सामने आई। मारने वाला मित्र संकेत भी बुरी तरह से घायल होकर नागपुर ले जाया गया। साथ में जाने वाले युवक आदर्श भगत का शासकीय दवाखाने में भर्ती होकर आगे की जांच रामनगर पुलिस कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श भगत। कैसे किसी घटना हुई अंदाजे? बात करते करते में संकेत इतना क्या बात किया, गाली गलौज से चाकू मार दिया, फिर वो प्रज्वल मिश्रा को उठाया, उसको गाड़ी बैठ रहा तो कोई गाड़ी नहीं चला रहा था, फिर गिर गया गाड़ी से, फिर उस बीच बेचारा ने उसके भाई लोग ने मारना चालू कर दिया था संकेत को। अच्छा। फिर बचाने गया, वो मत करो करके तो मेरे को ही मार दिया हमने फिर। अच्छा। फिर वहाँ से 2-3 लोगों ने बचा हमको, फिर जैसे तैसे निकला वहाँ से। अच्छा। तो एक जन को वहीं मर गया क्या? और पता नहीं है। और ये कभी गंभीर घायल हो गया नागपुर नागपुर। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर गोंदिया। अब बात करेंगे युवक कांग्रेस की, जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के तहत युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे में आज नागपुर जिला ग्रामीण महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुंदा राउत ने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही ये विश्वास जताया कि आने वाले 2024 चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। हमारे नेता सुनील जी केदार साहब, इनके नेतृत्व में हम जिले में काम करते हैं। आज नागपुर ग्रामीण तालुका के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बोखारा के रहवासी मुकेश केलवतकर को बनाया गया है। इस प्रोग्राम में, इस पदग्रहण में महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के महासचिव अश्विन जी बैस, हिंगना विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष फिरोज जी शेख, हमारे बोखारा के ग्राम पंचायत के माजी सदस्य जावेद शेख यहाँ उपस्थित है। इनके उपस्थिति में हमने बोखारा ग्राम पंचायत का गांव का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आसानी आवड़े को बनाया है। उपाध्यक्ष को अमीर शेख को बनाया है। सचिव अखिल सावजी को बनाया है। और तालुका ग्रामीण नागपुर का अध्यक्ष हमारा मुकेश केलवतकर बनाया है। हमारी सारी टीम यूथ कांग्रेस की रहो, महिला कांग्रेस है, राजीव गांधी संगठना की एक टीम, ये सारे हम लोग आदरणीय सुनील केदार साहब के नेतृत्व में काम करते हैं। और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में हमारी ये टीम अच्छे से काम करेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए। इतना में हम बिल्कुल जिले में वैसे भी कांग्रेस सुनील केदार साहब के नेतृत्व में मजबूत है, और यूथ कांग्रेस के माध्यम से और मजबूत होंगी, ये मुझे विश्वास है यूथ पे। नहीं, ये शुरू से ही कांग्रेस में और कांग्रेस की विचारधारा में ग्रामीण में घर घर तक पहुंचने का काम इन्होंने किया है यूथ कांग्रेस के माध्यम से। इसलिए आज मुकेश केलवतकर इनकी नागपुर तालुका अध्यक्ष पद पे नियुक्ति की गई है। और यूथ कांग्रेस के माध्यम से एक हमको IYC की तरफ से, इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया है कि यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो हमको घर घर तक पहुंचाना है, हमको बूथ पे काम करना है, उस माध्यम से हमने नियुक्ति की गई है। हमारे नेता कुंदाताई के नेतृत्व में हमने नियुक्ति की है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दादा राउत,
उन्होंने हमको यानी बताया है कि हमको नई नियुक्ति करके घर घर तक पहुंचना है, गांव गांव तक पहुंचना है, इसलिए इस माध्यम से हमने ये नियुक्ति शुरू की गई है। और कुंदाताई के नेतृत्व में यहाँ पे हिंगना विधानसभा पहले से ही मजबूत है और यूथ कांग्रेस के माध्यम से और ज़्यादा मजबूत होगा, ये कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं। नहीं, कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल ही रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आंदोलन भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है ये मीडिया कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है। आप सबके माध्यम से जो सिर्फ सोशल मीडिया यूट्यूब हो गया या फिर अपने पोर्टल चैनल हो गए उस माध्यम से ही सिर्फ कांग्रेस का काम दिख रहा है। बाद में बाकी आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल जो है मीडिया का वो कांग्रेस की जो पॉजिटिव चीज़ें वो नहीं दिखाती, निगेटिव चीज़ें दिखाती है। लेकिन हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से सतत हम बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, इसके खिलाफ में हमारा आंदोलन चालू है। जो हमारे नागपुर से या हमारे महाराष्ट्र से जो इन्होंने गुजरात में कंपनियां भेजने का काम किया, इसके पहले हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री के घर का घेराव किए थे। उसमें हमने मुख्यमंत्री के नाम के आगे में लिखा था कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुजरात के सीएम है, ना कि महाराष्ट्र के, क्योंकि इन्होंने जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात भेजने का काम किया है। तो मीडिया ये कहीं ना कहीं दिखाती नहीं है, इसका नेगेटिविटी कांग्रेस की तरफ फैलाने का काम कर रही है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मीडिया नहीं दिखाती है। अभी जो 5 राज्य के जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उसमें तो कांग्रेस ही आने वाली है, और आने वाले 2024 में लोकसभा का जो चुनाव है, लोग बहुत त्रस्त हो गए मोदी गवर्नमेंट के इससे। जो बेरोजगारी जो देश में बढ़ रही है, इससे जो देश का युवा वर्ग है वो बहुत नाराज है ये भाजपा सरकार से। और आने वाले 2024 में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ये देश में बैठने वाली है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कुंदाताई राउत जिला परिषद उपाध्यक्ष, उनके वो हमारे प्रेरणा स्थान है, उनके माध्यम से आज मैं यूथ कांग्रेस नागपुर ग्रामीण अध्यक्ष पद मुझे मिला है। इसका मैं कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम करके ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे एरिया में लोगों को लड़के जनरेट करके पक्ष में लाना चाहता हूँ। उसके बाद में यूथ कांग्रेस अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि जो आज अपने देश में रंगा बिल्ला की सरकार है वो लोगों को गुमराह करके राजकारण कर रही है, तो वो कहीं तो भी अपने को कम करना है और अपने कांग्रेस पक्ष की विचारधारा ये लोगों तक के पहुंचाने का काम मुझे करना है और मेरे यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे करना है। अभी कोई भी मुद्दा हो जनहित का तो अपने को करना चाहिए, लोगों तक के पहुंचाना चाहिए। और जो भी मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो बेरोजगारी के लिए आया टाइम तो मैं बुट्टीबुरी MIDC है या हिंगना MIDC है, यहाँ मैं यूथ के माध्यम से वहाँ धरना आंदोलन भी करने का मेरी तैयारी है। उसके बाद में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं प्रयत्न करूँगा। और इसी के साथ खबर संध्या बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कारे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रिया, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। हर त्योहार अब होगा खास, क्योंकि अब है सावरकर ज्वेलर्स का साथ। इतनी महंगाई में सोने के भाव आसमां छू रहे हैं, लेकिन सावरकर ज्वेलर्स कम मेकिंग चार्ज में आपको देगा
आपके मनपसंद डिजाइन का गोल्ड, वो भी 100% प्योर गोल्ड मार्क के साथ। सावरकर ज्वेलर्स में आपको देखने को मिलेंगे सब तरीके के डिजाइन, मंगलसूत्र से लेकर कान के झुमकों तक, चूड़ियों से लेकर अंगूठी तक। तो बिना किसी देरी के अभी जाइए सावरकर ज्वेलर्स और बुक करिए अपने मनपसंद का सोना। हमारा पता शॉप नंबर 2 मयूर कॉम्प्लेक्स दत्तवाड़ी अमरावती रोड नागपुर। हमारा कॉन्टैक्ट 9822691286 8882231। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। नाइक तालाब परिसर से घातक शस्त्र के साथ एक आरोपी को पाजपावली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से घातक शस्त्र बरामद किया गया। आरोपी का नाम रोहित जीवन पगोटे बताया गया। आगे की जांच जारी है। तारीख 26/11/2023 को हमारी डीबी पथक रात को 12:30 से 1:30 के बीच नाइक तालाब यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि उसी परिसर में कोई इसम हाथ में तलवार लेकर धामधूम कर रहा है। ये जानकारी मिलते ही हमारा पुलिस स्टाफ वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर उन्हें एक इसम जो तलवार लेकर धामधूम कर रहा है वो मिला, उसे ताबे में लिया और उसका नाम पूछा तो उसका नाम रोहित जीवन पागोटे, उम्र 24 साल, रहना मराई माता मंदिर के पास नाइक तालाब, ऐसा मालूम हुआ। उसे ताबे में लिया और आर्म एक्ट और IPC 135 महाराष्ट्र पुलिस कायदा के तहत उस पर कार्रवाई की है। ये जो आरोपी है रोहित जीवन पागोटे, उम्र 24 साल, इसके ऊपर इसके पहले कोई भी गुनाह दाखिल नहीं है और ये कार्रवाई डीबी पार्टी के हेड कांस्टेबल नाना भोगे, नाइक पुलिस कांस्टेबल इमरान, एनपीसी रोमेश, पुलिस कांस्टेबल गगन और राहुल, इन्होंने की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े नागपुर। घातक शस्त्र के साथ नाइक तालाब परिसर में आतंक मचाने वाले एक आरोपी को पाजपावली पुलिस ने व स्थानीय लोगों ने घेरा डालकर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से घातक शस्त्र बरामद किया गया। आरोपी का नाम रोशन उर्फ चरताल मुन्नालाल गुप्ता बताया गया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। दिनांक 25/11/2023 को पुलिस पथक जो गश्त पे था उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि नाइक तालाब बांग्लादेश यहाँ पर एक आरोपी एक इसम हाथ में तलवार लेकर धूमधाम मचा रहा है। ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस का जो स्टाफ था डीबी पथक वो घटनास्थल पर गया, वहाँ पर उन्हें एक आदमी के हाथ में तलवार मिली और वो धूम मचा रहा था, उसे ताबे में लिया, उससे छानबीन की। उसका नाम रोशन उर्फ चेतन उर्फ केला मुन्नालाल गुप्ता, उम्र 23 साल, रहना मराई माता मंदिर के पास नाइक तालाब। इसे पुलिस स्टेशन में लाकर उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की। इस पर एक इसके पहले 4/25 का ही गुन्ना दाखिल है और ये कार्रवाई जो है ये डीबी पथक के हेड कांस्टेबल नाना भोगे, नाइक पुलिस कांस्टेबल इमरान, एनपीसी रोमेश और पुलिस कांस्टेबल गगन और राहुल, इनके टीम ने ये कार्रवाई की है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े नागपुर।
संपत्ति कर की बकाया राशि वसूली हेतु जोन क्रमांक 1 लक्ष्मी नगर की वसूली टीम द्वारा वारंट कार्रवाई के तहत 5 बकायेदारों की अचल संपत्तियों को जब्त कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तथा 3,00,000 रुपए की वसूली की गई। 3 अचल संपत्तियों को जब्त कर गिरफ्तार किया गया। नागपुर नगर निगम की ओर से हम संपत्ति कर राशि जमा करने वाले संपत्ति मालिक कब्जाधारी को संपत्ति कर राशि में 10-5% की छूट देने के लिए संबंधित संपत्ति मालिक अधिभोगी और कब्जाधारी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। किनखेड़े लेआउट परिसर में डकैती की तैयारी में बैठे 5 आरोपियों को यशोधरा नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम सचिन उर्फ अजगर, अशोक कुमार शाहू, शेख सलमान शेख नवाब, साहिल उमेश शेंडे, अर्जुन संजय मेश्राम, अहफाज खान बताया गया, जिनके पास से चोरी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले माल समेत 51,000 का माल जब्त किया गया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। तारीख 25 नवम्बर के रात को हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू थी पुलिस स्टेशन यशोधरा के अंतर्गत। उस समय हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ आरोपी, जो इसमें से कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर भी है, सीरियस ऑफेंडर है, ये लोग किनखेड़े लेआउट के पास में एक रेल की दीवार है उसके पास में बैठ के ये दरोड़ा डालने की एक प्रयास कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। तो उनके पास में प्राणघातक शस्त्र भी थे। तो ऐसे इंफॉर्मेशन मिली तो विद द हेल्प ऑफ स्टाफ हम वहाँ पे गए, प्रॉपरली हमने उसको एग्जीक्यूट किया और टोटल वहाँ पे 5 लोग थे लेकिन एक एब्सकॉन्डेड है, फरार है, हमने 4 लोगों को। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं खुशबू परानी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। देश भर में गुरु नानक जयंती बहुत ही शौक से मनाई जा रही है, वैसे ही उपराजधानी नागपुर में भी गुरु नानक जयंती की उतनी ही धूम मची पड़ी है। इस समय मौजूद है जैरी पटका इलाके में और यहाँ पे जो है शोभा यात्रा का जुलूस निकाला गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे पूरी शोभा यात्रा निकाली गई है वाहेगुरु जी के नाम पे, गुरु नानक जयंती के लिए यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई है। और आप देख सकते हैं ये पूरी शोभा यात्रा 1-8 बजे तक पूरे जैरीपटका इलाके में घूमने वाली है, जो कि हर इलाके में जाने वाली है शोभा यात्रा, और यहाँ से फिर वो गड्डी गोदाम के गुरुद्वारे में जाने वाली है शोभा यात्रा, जो पूरे जैरीपटका इलाके में घूमने वाली है। अब वो निकाली क्यों जाती है, ये जानते हैं यहाँ पे हमारे अंकल से कि क्यों निकाली जाती है शोभा यात्रा। जी, शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? गुरु नानक देव का जन्मदिन है, हर आदमी को गुरु नानक देव जी को मानना चाहिए, इसलिए शोभा यात्रा निकालते घर घर में प्रचार होना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, गुरु नानक का नाम लेना चाहिए, गुरु जप साहब पढ़ना चाहिए, सब गुरु नानक देव जी ने बोल के गए। जी, और अगर हम गुरु नानक जयंती की खास तैयारियों की बात करें तो क्या क्या तैयारियां जैरीपटका इलाके में की गई है गुरु नानक जयंती के लिए? सब जगह गेट है, प्रसाद बांटे जा रहे हैं, गेट लगाए गए हैं, सब जने सेवा हार पहना रहे, सब कुछ कर रहे, जो आता है सेवा करता है। श्री गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक हैं, उन्होंने सिख पंथ को
जो कर्म कांड थे उनसे बचाकर कलयुगी जीवों को परमात्मा के नाम से जोड़ा है। आज उनकी 544वीं जयंती है। हमारा कलगीधर सत्संग मंडल पिछले 54 साल से जरीपटका में, आज से 54 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। गुरु नानक जयंती तब से हम रेगुलरली मनाते आ रहे हैं और गुरु नानक जयंती के शुरुआत में जब हम यहाँ कलगीधर सत्संग में स्थापना की थी तब सिर्फ 13 लोगों से एक प्रभात फेरी स्टार्ट हुई थी। अब आप विशाल इसका दृश्य देख रहे हैं और गुरु नानक देव जी ने सभी को मानस की जात सब एक ही पहचान, वो मानस की जात यानी पूरे जो संसार में इंसान है सबकी जात एक ही है, कोई धर्म अलग नहीं है, कोई नहीं है, सबका संदेश दिया है। सबको मिलजुल के अपनी कमाई करो, उसमें से लोगों की सेवा करो और उसमें से मिल बांट के खाओ, ये संदेश गुरु नानक ने दिया है। यही संदेश फैलाने के लिए कलगीधर सत्संग मंडल गुरु नानक देव जी के जयंती में उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालता है। और ये जो शोभा यात्रा यहाँ निकल रही है जरीपटका इलाके में, वो कौन से और इलाकों में जाने वाली है? जरीपटका के बाद यहाँ से जाएगी इंदौरा चौक, कड़बी चौक, मेकोसा चौक, फिर वापस वहाँ से जरीपटका आके मंडल में समापन होगा 8 बजे आज शाम को। ऐसे ही देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24, कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं खुशबू परियानी। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मी आचल लोखंडे, महाराष्ट्र TV24 च्या प्रादेशिक सुपरफास्ट बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। नजर टाकूया राज्यभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर। दंगल घडवणाऱ्यांवर आता कारवाई केली जाणार आहे। दंगली घडवण्याचं काम जाणीवपूर्वक केलं जात आहे। राज्यात दंगली घडवून सरकार कसं बदनाम होईल आणि राज्य सरकार कसं बदनाम होईल याचा प्रयत्न सुरू आहे। मुख्य सूत्रधार दंगल करायला लावणारे लोक आहेत, त्या दंगल घडवायला लावली याच्या मागे कठोर कारवाई व्हावी अशी सरकारला विनंती संजय शिरसाट यांनी केली। छत्रपती संभाजी नगर शहरामध्ये आज पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात झाली। यावेळी रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे वाहन चालकांना वाहन चालवताना कसरत करावी लागते। काही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे तर काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळीनं नुकसान झालंय। राज्यातील शेतकरी अडचणीत आहेत। संवेदनशील सरकारनं कामाला लागलं पाहिजे, प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावा आणि जास्तीत जास्त निधी केंद्र सरकारनं राज्याला देऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी ही आमची मागणी। हा विषय मी ताकदीनं लोकसभेत मांडेल असं वक्तव्य सुप्रिया सुळे यांनी केलंय। मला पॉलिसी पॅरालिसिसचं आणखीन एक उदाहरण, या सरकारमध्ये कोऑर्डिनेशन नाही। जे मी गेले 2 महिने तुमच्या सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्समधून बोलते, तुम्हीच माझा इंटरव्ह्यू दोघांनी किती वेळा घेतला आहे ज्याच्यात मी म्हणले की नाही, पॉलिसी पॅरालिसिस आणि मिसकम्युनिकेशन। आता भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे सरकार आणि अजित पवार गट यांचं सरकार आहे की नाही, यांचा कॉन्फ्लिक्ट कुणामध्ये? अजित पवार गट आणि शिंदे सेना। शिंदेंची जी सेना आहे आणि अजित पवारांचा जो गट आहे त्यांच्यातच मिसकॉर्डिनेशन आहे ना या ग्रस्ताबद्दल? तर याचं उत्तर मी कसं देणार? जे सरकारमध्ये आहेत त्यांच्याचाच सावळा गोंधळ चालला आहे, त्याच्यामुळे आता आम्ही बिचारे काय करणार? आम्ही आपलं लांबून हे सगळं गडबड बघतो आहे आणि दुर्दैव एका गोष्टीचं आहे की कॉन्फ्लिक्ट आणि मिसमॅनेजमेंट आणि पॉलिसी पॅरालिसिस या ट्रिपल इंजिन सरकारमध्येच आहे। 200 आमदार आहेत त्यांच्याकडे, त्यांनी दुष्काळ आणि आजची जी गारपीट झालेली आहे, जे नुकसान शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे ह्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। त्याच्याऐवजी या सरकारमधलेच 2 गट एकामेकाशी भांडतायत। काही ह्याला जोडून असा प्रश्न, संजय राऊत असं म्हणतायत, संजय राऊत असं म्हणतायत की जालन्याच्या गेस्ट हाऊस मध्ये हा सगळा प्लान कोणाचा प्रश्न? संजय राऊत ह्याला जोडूनच प्रश्न आहे की संजय राऊत असं म्हणतायत की अंतसराटीमध्ये जो जालन्याचा प्रकार घडला तो गेस्ट हाऊस मधून बसून हा सगळा प्रकार आहे तो कट रचण्यात आला होता राष्ट्रवादीकडून। राष्ट्रवादीकडून म्हणजे राष्ट्रवादीच्या कडून हा सगळा कट रचण्यात आला होता? संजय राऊत आमच्याबद्दल बोलले असं शक्यच नाही। राष्ट्रवादी इम्पॉसिबल, आता संजय राऊत असं कधीच म्हणणार नाही।
मुख्यमंत्र्यांच्या कॅबिनेटवर नियंत्रण नाही, त्यांचेच मंत्री त्यांची ऐकत नाही, सर्व पक्ष वेगवेगळे बोलतात, केंद्राची राज्याची तुमच्या हातामध्ये सत्ता आहे, परंतु अशा पद्धतीनं समाजात तेढ निर्माण करण्याचं भारतीय जनता पार्टीचा उद्देश आहे, म्हणून ते जाती जातीमध्ये भांडण लावण्याचं काम देशात करतायत आणि महाराष्ट्रात करतायत, असं वक्तव्य अंबादास दानवे यांनी केलंय. लाठीमार कोणी करायला सांगितलं होता, मराठा समाजाचं आंदोलन चालू असताना त्याच्यावर लाठीमार कोणी केला, पोलिसांनी गोळ्या कोणी मारल्या, याचं उत्तर काय येत नाही अजून. त्याचं समर्थन कोण करतं? संजय शिरसाट ज्या पक्षाचे त्या पक्षाचे मंत्री मुख्यमंत्र्याला पत्र देत नाम करण्याचा प्रयत्न आपण केला जातो. बघा ना, तुमचेच लोक आहेत, कोण आहे तिथं राजभवनला हे आंदोलन अशा पद्धतीनं जातीयवादाचं बीज रोवण्याचं काम तर भारतीय जनता पार्टी करते. बघा भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे फडणवीस साहेबांच्या रोजचे स्टेटमेंट बघा, अशा पद्धतीनं आज तुमच्या सरकारमधले मंत्री बोलतात, छगन भुजबळ म्हणतात रक्ताचे पाठ वाहतील, हे वाहतील, हे वाहतील, याचं समर्थन करता तुम्ही आणि मराठा समाजाला बदनाम करता. चार लोक असतील, फोटो सगळ्याबरोबर काढत असतात, अशा लोक म्हणतात ते काय उपाट. गंगोत्री बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन येत आहे एनएजीपी व महारेरा मान्यता प्राप्त मंजूर लेआउट, रामनगर नावाने मौजा बेलगाव उमरेड मध्ये रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध, उमरेड नागपूर हायवे टच लेआउट, फक्त 21,000 रुपये देऊन प्लॉट बुक करा व 12 महिन्याची दीर्घ मुदत घ्या, प्रत्येक प्लॉट बुकिंगवर 5 निश्चित उपहार, कलर एलईडी टीव्ही, फ्रीज, मायक्रो ओव्हन, वॉशिंग मशीन आणि मिक्सर. आमची वैशिष्ट्ये भव्य व आकर्षक प्रवेशद्वार, प्रशस्त सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, इलेक्ट्रिक पोल्स, स्ट्रीट लाईट, पक्क्या नाल्या, इलेक्ट्रिक डीपी, झाडांसह ट्री गार्ड, आकर्षक कंपाऊंड वॉल, बोरवेलची व्यवस्था, सुंदर बगीचा निर्मिती, कॉर्नर पूल, आणखी इतर सुविधाए, बँक फायनान्सची सुविधा उपलब्ध, 100% सुरक्षित गुंतवणूक, सोनं घेण्यापेक्षा सोन्यासारखे प्लॉट खरेदी करा, संपर्क करा. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला नागपुर लेकर आया है आप सभी के लिए दिवाली के अवसर पर खास ऑफर. आसमान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगी कई सारी योजनाएं, जैसे कि दिवाली धमाका योजना, जिसमें सीनियर सिटीजन और महिलाओं को स्पेशल एफडीआर पर 10 से 10.25% तक का ब्याज मिलेगा. आसमान लखपति योजना में इन्वेस्ट करने में 72 महीने में 1,00,000 रुपए पाए और 6 साल में बने लखपति. इतना ही नहीं, आसमान महिला क्रेडिट सोसाइटी आपको देगा आपके सेविंग्स अकाउंट में 4% तक का ब्याज, साथ ही में वे उपलब्ध कराएंगे गोल्ड लोन, इमरजेंसी लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन और भी बहुत कुछ. हमारा पता झेंडा चौक नटराज टॉकीज के अपोजिट महल नागपुर. संपर्क करें 0712-299-5545 और 98